हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा जो डिस्कशन सब्जेक्ट है वो है सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2। इसके पहले हमने सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 देखा था। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेंशन कर दिया जाएगा। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले डिस्कशन टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट होगा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एंड बॉटल फीडिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। इसके बाद इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन हेल्थ, वाटर पोल्यूशन, इंपोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बोर्न डिजीज, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट आएगा साइकोसोशियल फार्मेसी, ड्रग एंड मिसयूज एंड एब्यूज, साइकोट्रोपिक नारकोटिक्स, एल्कोहल, टोबैको जो प्रोडक्ट्स होंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एंड सोसाइटल बिहेवियर। तो इतना सारा हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा और आज की इस वीडियो में हम इस कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है, आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मान के चलें तो ये सोशल फार्मेसी का लगभग 30% कवर टॉपिक्स है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, यानी कि जो इन्वायरमेंटल से हमारा एग्जाम होता है उसमें भी कुछ टॉपिक इसमें कवर कर लिए गए। तो आज के टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डेमोग्राफी के बारे में। बेसिकली डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक पीरियोडिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी डेमोग्राफी जो होती है, यानी सिस्टमैटिक और पीरियोडिक, यानी समय समय पर पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में जो पता लगाना होता है तो किसके थ्रू होता है? डेमोग्राफी के थ्रू होता है। द टर्म डेमोग्राफी इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन एंड कंपोज ऑफ टू वर्ड, डेमोस पीपुल एंड ग्राफियन डिस्क्राइब, इंप्लाइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपुल। तो डेमोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है। सबसे पहला वर्ड आता है डेमोस, मतलब होता है पीपुल, एंड ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्राइब, और इसका ओवरऑल डेमोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपुल, पीपुल के बारे में जानकारी देना, हमें डिस्क्रिप्शन देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इन द डेमोग्राफिक स्टडीज वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन साइज ग्रोथ, यानी कि बर्थ रेट, डेथ एंड माइग्रेशन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एज वेल एज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेशियोनल क्वांटिटेटिव स्टडी अबाउट द वोमेन मेन एंड डिफरेंट एजेस ग्रुप। इस लाइन का मतलब यह हुआ कि डेमोग्राफी के अंतर्गत हम पॉपुलेशन साइज की स्टडी करते हैं, इसके अलावा ग्रोथ रेट के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि बर्थ ग्रोथ रेट क्या है, डेथ की रेट क्या है और माइग्रेशन रेट क्या है। इसके अलावा कंपोजिशन देखते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में कंपोजिशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी कि पॉपुलेशन किस किस एरिया में फैली हुई है, ठीक। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो रेशियोनल या क्वांटिटेटिव स्टडी होता है। रेशियोनल स्टडी का मतलब होता है मेन और वुमेन में तुलना करना, यानी कि मेन और वुमेन की कितनी जनसंख्या है इसके बारे में जो रेशियोनल स्टडी होती है उसमें भी डेमोग्राफी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, दीज आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डेमोग्राफी इंक्लूडिंग फॉर्मल डेमोग्राफी विच आर लार्जली क्वान्टिटेटिव फील्ड एंड सोशियल डेमोग्राफी विच फोकस ऑन सोशियल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। आल डेमोग्राफिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग आर इन्यूमिरेशन। तो बेसिकली हम दो टाइप की डेमोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी के अंतर्गत हम क्वान्टिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन की बेसिकली कितनी क्वांटिटी है, यानी कि उसकी गणना करते हैं वो कितनी है उसके बारे में जानते हैं। और एक होता है सोशल डेमोग्राफी। तो सोशल डेमोग्राफी के अंतर्गत पॉपुलेशन की सोशल, यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ कैसी है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है और वहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि राजनीति से रिलेटेड वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना भी किसके अंतर्गत आता है? तो सोशल डेमोग्राफी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग आर इन्यूमिरेशन। तो जितनी भी डेमोग्राफी हैं, ये दोनों डेमोग्राफी हैं, तो सबका मतलब जो स्टडी का जो प्रोसेस होता है वो किस पे बेस होता है? तो काउंटिंग पे होता है, यानी कि इन्यूमिरेशन, यानी कि गणना करने के अनुसार पे। जब गणना की जाती है तभी कोई स्टडी की जा सकती है पॉपुलेशन के बारे में। तो डेमोग्राफी के अंतर्गत हम ये सब स्टडी करते हैं।
तो अब इसके बाद समझेंगे इंपोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। तो इंपोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी हम देख लेते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी वी विल कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ बाई एडिंग एन मॉड्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले कोई किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को हम क्या करते हैं, अगर डेमोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं तो हम पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, बाई एनी मॉडल्स यानी कोई भी हम एक्टिविटीज करके पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, बाय द डेमोग्राफी वी विल डिफाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ एनी पॉपुलेशन आर कम्युनिटी एंड प्रोवाइड द रेगुलर हेल्थ सर्विसेज। तो डेमोग्राफी की वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आर कम्युनिटी आर प्रोवाइड द रेगुलर हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज को भी प्रॉपर पहुंचा सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ आप मतलब पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी है आप लोगों को पता है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होगा, हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर डेमोग्राफिक स्टडी वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रेगुलर मेडिसिन एंड ऑल्सो फुलफिल द पॉपुलेशन नीड। अगर डेमोग्राफी स्टडी कर ली है यानी कि पॉपुलेशन की स्टडी कर ली है तो हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को फुलफिल कर सकते हैं, रेगुलर मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं और उसके अलावा जो भी पॉपुलेशन की नीड्स होगी उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें डेमोग्राफिक स्टडी आल्सो इम्प्रूव द एजुकेशनल लेवल ऑफ एनी नेशन आर स्टेट बाय प्रोवाइडिंग द यूजुअल एसेसरीज स्टडी मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अगर डेमोग्राफिक स्टडी हम कर लेते हैं तो किसी भी यानी कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ में एजुकेशन का जो महत्व है उसको हम बता सकते हैं, यानी एजुकेशनल लेवल को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब एजुकेशन लेवल बढ़ाएंगे तो यानी कि हम पर्याप्त मात्रा में मटेरियल यानी कि स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा सकते हैं या स्टडी इक्विपमेंट है उसको क्या करा सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हो गया डेमोग्राफी का इंपोर्टेंस। नेक्स्ट, अगर बात करें डेमोग्राफी इज द फील्ड ऑफ द स्पेशल इंपोर्टेंस टू सोशियोलॉजी, इन फैक्ट द इमरजेंसीज ऑफ द सोशियोलॉजी एंड सक्सेसफुल स्टेबलाइजमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ऑन टू लॉट ऑफ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी फील्ड की वजह से उसका एक इंपॉर्टेंस सोशियोलॉजी में है। सोशियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो भी हम सोशल यानी सोशल वर्क करते हैं उसमें भी हेल्प होगी अगर डेमोग्राफी हमें पता है, यानी कि पॉपुलेशन की हमें साइज पता है, पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट या जो भी है चीज़ें अगर पता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो एकेडमिक डिसिप्लिन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, ये हो गया उसका इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन सोर्सेज एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी। कॉमन सोर्सेज क्या है, बर्थ रेट, सबसे पहला क्या है, बर्थ रेट। बर्थ रेट इज द स्टेटिस्टिक आर रेशियोनल इंप्रेशन अबाउट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इज अ गिवेन आर ड्यूरिंग अ गिवेन टाइम पर 1000 पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट क्या होता है, बेसिकली बर्थ रेट यही होता है कि किसी भी स्पेसिफिक समय में एक पर्टिकुलर एरिया पे मतलब कितने बर्थ हुई, कितनी बर्थ रेट है, यानी 1000 पॉपुलेशन है तो कितना उसमें से न्यू बर्थ है, उसी को क्या बोलेंगे हम, बर्थ रेट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है क्या, डेथ रेट। डेथ रेट इज द स्टैटिस्टिक्स आर रेशियोनल एक्सप्रेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पर 1000। यानी कि डेथ रेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में 1000 पॉपुलेशन है तो उसमें से कितने लोगों की मृत्यु हो गई या उसमें उसकी मृत्यु दर क्या है, वही क्या होता है, डेथ रेट होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें इसमें नोट पॉइंट है, द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, तो जो हमारा नेचुरल इंक्रीज ऑफ द ग्रोथ यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन का अगर ग्रोथ रेट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा वो क्या निकल जाएगा, ग्रोथ रेट पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोगों को वैल्यू दे दी जाएगी और ग्रोथ रेट पूछ लिया जाएगा। तो ग्रोथ रेट का फार्मूला यही होगा कि बर्थ रेट से आप माइनस कर देंगे डेथ रेट को, जिससे आपको मिल जाएगा ग्रोथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका बात करें, एक इसका क्या है, सोर्स क्या है, माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपुल इट इंडिकेट्स द डेमोग्राफिकल चेंजेस इन द पॉपुलेशन एंड इफेक्ट द रेशियोनल प्रेजेंटेशन इट इज द इफेक्ट बाई टू वेज। माइग्रेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से पीपुल माइग्रेट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पॉपुलेशन को क्या करेंगे, इनस्टेबल करेंगे। ठीक है, तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है इमिग्रेशन
ठीक है, और दूसरा होता है इमिग्रेशन, ठीक है, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन बोल सकते हैं इसको। तो इमिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जब पॉपुलेशन किसी भी पॉपुलेशन से दूर जाता है, यानी कि कहीं कोई मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, वहां से अगर कोई पॉपुलेशन दूर जा रही है किसी अदर कम्युनिटी में जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और इमिग्रेशन जो है, जो आई से है, आप लोग स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा इसमें, इमिग्रेशन है, इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई कम्युनिटी किसी दूसरे कम्युनिटी में आती है, यानी जब कोई पॉपुलेशन किसी कम्युनिटीज में आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन है जो कि पॉपुलेशन के जो रेशियो है उसको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो ये हो गया इसका कॉमन सोर्स या इंडिकेटर। नेक्स्ट अगर बात करें फर्टिलिटी रेट, द फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइफ पर बर्थ पर 1000 ओमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजुअली टेकन टू 15 to 49 ईयर। यानी फर्टिलिटी रेट कब होती है वुमेन की, 15 to 49 ईयर्स के बीच में होती है फर्टिलिटी रेट। अब इसके बीच में अगर 1000 ओमेन है, कितना बर्थ हुआ बच्चों का, यानी कि कितनी बर्थ हुई बच्चों की, वो भी लाइव है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। बेसिकली फर्टिलिटी रेट ये हुआ कि 15 से 49 ईयर्स के बीच में जो महिलाएं हैं, जो भी हैं ओमेंस हैं, वो अगर मान लीजिए 1000 ओमेंस को लिया जाए, तो उसमें से कितना बर्थ रेट हो रहा है जो कि बच्चे क्या है, लाइव रह रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलिटी रेट बोलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। मान लीजिए कि 1000 लाइव बर्थ हुआ, यानी कि 1000 लोगों का जन्म हुआ, उसमें से कुछ बच्चे ये हुए, कुछ बच्चे क्या हुए, 1 ईयर तक एज जाते जाते क्या हो गए, डेथ हो गई, उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, उसे क्या बोलेंगे हम, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ वुमेन हु डाइज इन चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ हुआ, यानी कि मान लीजिए 1 लाख तक बच्चे पैदा हुए, वो भी क्या थे, जीवित थे। उसमें से क्या होता है, कई बार होता है कि जो चाइल्ड बर्थ होता है, तो मतलब जो लेडी होती हैं, जो वुमेन होती हैं, वो क्या होती है, डाई हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग निकाला गया है कि अगर मान लीजिए 1 लाख बेबीज क्या हो रहे हैं, बर्थ हो रहे हैं, तो उसमें से कितनी मतलब लेडीज की डेथ हो जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नोट नोट पॉइंट है, देखिएगा, हाई रेट्स ऑफ द इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी आर द एम्बिगस इंडिकेटर ऑफ द बैकवर्ड एंड पॉवर्टी। अगर मान लीजिए इन्फेंट और मैटरनल की जो मोर्टिलिटी रेट है, अगर ये हाई हो जाए, यानी इन्फेंट की मृत्यु दर और मैटरनल की यानी कि माता की मृत्यु दर में अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एंड पॉवर्टी, जिससे क्या आएगा, पिछड़ापन आएगा, और पॉवर्टी मतलब गरीबी आ जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सेक्स रेशियो बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग कितनी फीमेल है, उसी को रेशियो को हम क्या बोलेंगे, सेक्स रेशियो बोलेंगे। नेक्स्ट एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटेड टू द टोटल पॉपुलेशन। ये क्या है, तो एज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एज होती है, मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट एज के पीपुल को हम क्या करते हैं, जोड़ते रहते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप को उसको रिलेटिवली हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एज। यानी कि एज भी क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। तो इंडिकेटर कौन कौन से हो गए, सबसे पहले हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, तो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो और एज, ये सारी चीजें क्या हो गई इसमें, इंडिकेटर हो गई किसकी, डेमोग्राफी की। नेक्स्ट है, एक नोट पॉइंट्स है, द डिपेंडेंसी रेशियो इज मेजर कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज कंपोज ऑफ डिपेंडेंट विद द पोर्शन डेट इज इन द वर्किंग एज ग्रुप जनरली डिफाइंड एज 15 to 64 ईयर। द डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 or above 64 डिवाइड बाई पॉपुलेशन इन 15 to 64 एज ग्रुप। इस लाइन का मतलब ये हुआ, एक होता है डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं डिपेंडेंसी रेशियो पे, तो आप लोग इसको समझिएगा। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए किसी भी मान लीजिए पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा वर्किंग एज कौन सी होती है, तो 15 to लेके 64 जो होती है वो क्या होती है,
वर्किंग एज होती है। तो मान लीजिए एक होता है चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो और एक होता है एडल्ट डिपेंडेंसी रेशियो। तो चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे 15 और एबव, यानी कि 15, यानी कि 15 से बिलो होंगे उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन जो 64 होंगी। क्या करेंगे, मान लीजिए चाइल्ड निकालना है आपको, चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, तो चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू 15 ईयर्स के कम एज तक जितने भी बच्चे हैं उसको अपॉन डिवाइड कर दीजिए 15 to 64 ईयर्स के पॉपुलेशन में, यानी जो वर्किंग, यानी कि इसको बोल सकते हैं 15 ईयर्स से कम जो बच्चे हैं उनको डिवाइड कर दीजिए किससे, वर्किंग, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उससे, तो वो निकल के आ जाएगा चाइल्ड डिपेंडेंसी रेशियो। और एडल्ट डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 64 एज के बाद जितनी पीपुल है उसकी क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 15 to 64 एज वाली पॉपुलेशन से, यानी वर्किंग पॉपुलेशन से, तो वो निकल के आ जाएगा एडल्ट डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारा यानी कि कॉमन सोर्स एंड इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है। डेमोग्राफिक साइकिल टोटल 5 साइकिल्स है। हाई स्टेशनरी यानी फर्स्ट स्टेज होता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, नो एनी चेंजेज इन साइज पॉपुलेशन। तो इस साइकिल के मतलब कि जो ये एज होती है उसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट भी होता है, हाई डेथ रेट भी होता है, और इसलिए साइज कोई भी पॉपुलेशन में चेंजेस नहीं आते। जब दोनों क्या है, बराबर है, तो कोई भी चेंज नहीं आना है। नेक्स्ट अर्ली एक्सपांडिंग। अर्ली एक्सपांडिंग ऐसे बोलते हैं सेकेंड स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। अब क्या होगा, डेथ रेट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड बर्थ रेट नो चेंजेज, और बर्थ रेट कोई चेंजेज नहीं होगा। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मान लीजिए कि डेथ रेट क्या हो गई, कम होती चली गई, जो बर्थ रेट थी वो क्या थी, वहीं पे इनिशियल है, यानी कि बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेट एक्सपांडिंग थर्ड स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन व्हाइल द डेथ रेट स्टिल डिक्रीजेज कंटिन्यू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होगा, बर्थ रेट क्या होगा, बर्थ रेट भी धीरे धीरे क्या होने लगा, गिरने लगा। बर्थ रेट भी क्या होगा, धीरे धीरे गिरने लगा, और डेथ रेट तो ऑलरेडी डिक्रीज हो ही रही है, तो इसमें क्या, कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इसमें भी क्या होगा, कंटिन्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि बर्थ रेट तो ज्यादा ही रहेगी डेथ रेट से, क्योंकि डेथ रेट हमेशा क्या हो रही है, कम होती जा रही है, इसलिए क्या हो गया, बर्थ रेट बढ़ा ही रहेगा, इसलिए कंटिन्यू इंक्रीज इन पॉपुलेशन होती रहेगी। नेक्स्ट लो स्टेशनरी या फोर्थ स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। तो इस स्टेज में क्या होता है, लो बर्थ रेट होता है और लो डेथ रेट होता है, इस प्रकार कोई पॉपुलेशन में चेंजेस नहीं आता है, पॉपुलेशन जो होगी क्या होगी, वो स्टेबल होगी। नेक्स्ट अगर बात करें डिक्लाइन यानी कि फिफ्थ स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट डिक्रीज इन पॉपुलेशन। इस स्टेज में क्या होता है, जो लास्ट स्टेज है इसमें होता है, बर्थ रेट तो कम होता है और डेथ रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर डेथ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक साइकिल, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डेमोग्राफिक साइकिल पूछ लिया जाता है। अगर आपको डेमोग्राफी के बारे में लिखने को है तो डेमोग्राफिक साइकिल आप जरूर लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सम इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑन डेमोग्राफी। कुछ जो थ्योरी थी डेमोग्राफी के ऊपर दी गई थी उसके बारे में हम चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले थ्योरी थी द मालथुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, 1798 में दी गई थी, और इसके साइंटिस्ट थे थॉमस रॉबर्ट मेल्थस, जिनका जो उस समय था 1766 टू 1834, इतने समय तक इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने थ्योरी दिया था। इन्होंने बेसिकली थ्योरी में क्या लिखा था, इन्होंने पूरा पॉपुलेशन की स्टडी की थी, इन्होंने देखा कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स तो कम है लेकिन सोर्स की जो उत्पादन है यानी सोर्स में जो ग्रोथ हो रहा है वो बर्थ रेट से भी कम हो रहा है। बर्थ रेट यानी कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि सोर्स की जो ग्रोथ होनी है वो पॉपुलेशन से कम हो रही है। जब इन्होंने ये देखा तो उन्होंने एक रेशियो निकाला, उन्होंने ये रेशियो निकाला कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या, ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है। ज्योमेट्रिकली ग्रोथ करने का मतलब हो गया 2 into 2 4,
4 × 2 = 8 ऐसे, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। लेकिन जो हमारा सोर्स ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ कर रहा है। अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 यानी कि बहुत धीमी ग्रोथ है। तो उन्होंने ये चीजें बताई और उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने इसे रोकने के लिए बहुत सारे तरीके भी बताए, ठीक है। तो उतना थ्योरी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो इसलिए आप लोग जान जाइएगा, बस इसका याद रखिएगा, क्योंकि ये थ्योरी दिए थे थॉमस रॉबर्ट मेल्थस साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट एक थ्योरी दी गई थी, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें बेसिकली क्या किया गया, इसमें जो ये मैथ्यूसियन थ्योरी थी उसी को क्या किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। उसमें बताया गया कि जो मैथ्यूसियन साहब यानी कि जो थॉमस रॉबर्ट मेल्थस साहब बता रहे हैं उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ जाता है। बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एक नई थ्योरी दे दी गई, डेमोग्राफी यानी द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट शामिल थे इसलिए उनके नेम मेंशन नहीं किए गए, ठीक है। तो ये दो थ्योरी दी गई थी डेमोग्राफी के ऊपर। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्यों जरूरी है और क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है इसमें वो हमेशा यानी कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। फैमिली प्लानिंग इज अ प्रैक्टिस टू कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वन हैज, मेंटेन द इंटरवल बिटवीन दिस देयर बर्थ पर्टिकुलरली बाई मीन्स ऑफ द कंट्रासेप्टिव और वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन। तो फैमिली प्लानिंग बेसिकली क्या है, कंट्रोल करना है, यानी कि चाइल्ड के नंबर की ग्रोथ को क्या है, कंट्रोल करना है और मेंटेन द इंटरवल बिटवीन देयर बर्थ, यानी बर्थ के बीच में हमें कितना इंटरवल लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट बेबी, अगर मान लीजिए फर्स्ट बेबी के बाद दूसरा बेबी जो होना है उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ज़्यादा बेबी यानी कि बेबी अगर ज़्यादा हों तो उसमें को खिलाना पिलाना पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों का खर्चा लगेगा। तो इसलिए आप अपने मेंटेन अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग बेबी को बॉर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना ही क्या कराता है, बेसिकली फैमिली प्लानिंग कराता है, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग की जरूरत तो सबको पड़नी है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, पर्टिकुलरली बाय मीन्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन आर वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन। तो फैमिली प्लानिंग करने के लिए आप कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं या वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन करा सकते हैं, यानी कि ऐच्छिक स्टरलाइजेशन करा सकते हैं। आगे समझेंगे इस सभी पॉइंटों को, आगे समझ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू WHO इन 1971 इट इज डिफाइंड एज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलेंट्रीली अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाई इंडिविजुअल एंड कपल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप एंड दस कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो WHO के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि फैमिली प्लानिंग एक थिंकिंग है। क्या है, थिंकिंग होगी आपकी, आपकी थिंकिंग यानी कि आपके नॉलेज के अनुसार, आपके एटीट्यूड्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्या है, थिंकिंग है कि आप कैसे मतलब कितने चाइल्ड को आप बर्थ करा सकते हैं या उसकी देखभाल कितने कैसे कर सकते हैं, उसका हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ये और फैमिली कैसे आप फैमिली को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ही बताई गई थी WHO के अकॉर्डिंग। और यही फैमिली प्लानिंग का मेन मोटो होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना और जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना और अपने हेल्थ स्टेटस को बढ़ाना, तो यही फैमिली प्लानिंग का मेन मोटो होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन की फैमिली प्लानिंग में। आगे हम बढ़ते हैं, एम ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब देख लेते हैं एम क्या होता है फैमिली प्लानिंग का। तो सबसे पहला एम होता है कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग की गई। नेक्स्ट, इंप्रूव द हेल्थ फिजिकल मेंटल एंड सोशल। अगर फैमिली प्लानिंग आपकी अच्छी रहेगी तो जो भी चाइल्ड है उसका फिजिकली मेंटली एंड सोशली जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा चाइल्ड है या ज़्यादा बेबी हैं तो उनको ग्रो कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी। अगर आपके चाइल्ड लिमिटेड है, अगर लिमिटेड चाइल्ड है, लिमिटेड फैमिली है, तो आप उसकी हंगर और पॉवर्टी दोनों का ख्याल रख सकते हैं। यानी कि हंगर मतलब भोजन, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, यानी उससे आप क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी है वो भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड मोरबिडिटी। इससे क्या होगा, अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं
तो जो इन्फेंट की मोर्टिलिटी है वो मृत्यु दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मोरबिडिटी का मतलब होता है डिजीज कंडीशन आना, बच्चों में डिजीज भी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीज द एसटीडीज, एसटीडीज का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इम्प्रूव द एजुकेशनल लेवल, और एजुकेशनल लेवल को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वही ना बता रहे हैं, अगर फैमिली प्लानिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आप अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा, खाने पीने के लिए हर एक चीज़ जो भी फैसिलिटीज है आप उसको प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या थोड़ा सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना मुश्किल होता है। ये हो गया फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट आता है रिड्यूस एमटीपी, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि इसको बोलते हैं अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन को भी रोका जा सकता है ड्यू टू फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोवाइड ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, अगर फैमिली प्लानिंग है आपकी अच्छी तो आप गवर्नमेंट द्वारा जो भी रिसोर्सेज या जो भी सर्विसेज चलाई जा रही हैं उसका लाभ अच्छे से उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली प्लानिंग करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज करने चाहिए, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, इसमें थ्री मेथड्स हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इट इज वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइडेड आर अब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। पीरियोडिक एब्सटिनेंस के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि जो भी कपल है वो सेक्सुअल यानी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को है उसको क्या करता है, अवॉइड करता है कितने दिनों तक, 10 टू 17 डेज। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 टू 17 डेज होता है उसके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसी बीच में फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा, फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। अगर इसको अवॉइड किया जाएगा तो फैमिली प्लानिंग में ये हेल्प करेगा और ये क्या है, एक नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट अगर बात करें विड्रॉल आर कोइटस इंटरप्ट्स, यानी कि इट इज द अनदर मैटर इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर एजुकुलेशन सो टू अवॉइड इंसेमिनेशन। तो क्या हुआ इसमें, ये सेकेंड मेथड है, उसमें विड्रॉल आर कोइटस इंटरप्ट्स है, इसमें क्या होता है जो मेल पार्टनर होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स परफॉर्म हो रहा है तो जो मेल पार्टनर है वो पेनिस को क्या कर सकता है, वेजाइना से जस्ट बिफोर यानी इंसेमिनेशन से पहले क्या कर सकता है, उसको बाहर कर दिया। अगर पेनिस बाहर हो जाएगा तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, और इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आप फैमिली प्लानिंग यानी कि फैमिली प्लानिंग में भी इस प्रकार से हेल्प हो सकती है, और ये भी एक नेचुरल मेथड है। नेक्स्ट अगर बात करें लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये होता है ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड फॉलोइंग पर्चुरेशन ओव्यूलेशन आर अब्सेंसेस कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 6 मंथ फॉलोइंग पर्चुरेशन। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया के दौरान क्या होता है, जब मदर एक मतलब एक बेबी का बेबी है, मदर के साथ बेबी है यानी कि बच्चा दूध पी रहा है, यानी कि बच्चा मैक्सिमम 6 मंथ तक दूध को यानी मिल्क यानी दूध पिएगा, तो उस दौरान क्या होता है मेंस्ट्रुअल अब्सेंट होता है। अब मेंस्ट्रुअल अब्सेंट है तो उस दौरान अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो कोई भी उस दौरान कोई भी आप लोग मतलब कोई भी उसमें हार्म नहीं होगा, यानी कि कोई भी बेबी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ हो गया लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। ये थ्री मेथड हो गए जो कि नेचुरल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल बैरियर मेथड, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिजिकल बैरियर मेथड, इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। इस मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, ओवम और स्पर्म की जो मीटिंग होनी है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना है उसको क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। अब इट इज अवेलेबल फॉर बोथ, ये दोनों के लिए होता है, दोनों लोग इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर मेल, मेल के लिए था, मेल कॉन्डोम आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स सीथ डेट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल जस्ट बिफोर कोइटस सो डेट एजुकुलेटेड सीमन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इट आल्सो प्रिवेंटेड द स्टडीज। मेल के लिए क्या होता है, मेल कॉन्डोम बना है इंटरक्रोस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस
पेनिस पे मेल कंडोम को क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जिससे जो भी इंसेमिनेशन होता है वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है और वो जो सेमिनेशन है यानी कि जो सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जा पाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो भी फैमिली प्लानिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा इट आल्सो प्रिवेंट द एसटीडीज, और जो कॉन्डम होते हैं वो क्या प्रिवेंट एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उससे भी क्या करते हैं, बचाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फॉर फीमेल, फीमेल कॉन्डम्स आर आल्सो अ बैरियर मेथड मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। दे आर प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इट आल्सो प्रिवेंट द एसटीडीज। फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं जो कि क्या वेजाइना में या सर्विक्स में इंसर्ट करा दिया जाता है और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स सीमन क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जा पाता है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जा पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फैमिली प्लानिंग में यह भी एक तरह से अच्छा रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट अगर बात करें इट आल्सो प्रिवेंट द एसटीडीज, और ये भी क्या करता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर डेट आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। इसके अलावा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स ये कुछ बैरियर मेथड है जो कि फीमेल में यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये भी फर्टिलाइजेशन चांस को क्या करता है, कम कर देता है। ये सभी हो गए क्या फिजिकल बैरियर मेथड। नेक्स्ट आता है केमिकल या हार्मोनल मेथड्स। केमिकल एंड हार्मोनल सबस्टेंसेस आल्सो ओवरकम द कंसेप्शन एंड वर्क एज कंट्रासेप्टिव, यानी कि जो हार्मोनल मेथड होते हैं ये भी एक कंट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव, इन द ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट्स आर पिल्स आर यूज्ड व्हिच कंटेन्स आइदर प्रोजेस्टेरोन आर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, पिल्स हैव टू टेकन डेली फॉर पीरियड 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ओरल कंट्रासेप्टिव के अंतर्गत क्या होता है, ओरल पिल्स होती हैं जो फीमेल को लेनी होती है, अगर फीमेल उसको ले रही है तो यानी कि उसमें लेवल हार्मोनल मेथड यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या होता है लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और वो क्या करती है प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वो 28 डेज यानी आप लोगों ने जनरली देखा होगा गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है फ्री प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कम आता है माला डी और माला एन नाम से आता है, तो इसमें क्या होता है 21 डेज तक क्या होता है आपको टैबलेट लेनी होती है यानी पिल्स लेना होता है, जिससे क्या होता है फर्टिलाइजेशन के जो चांस है वो क्या होते हैं कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सहेली द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेंस और नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इट इज वन अ वीक पिल्स विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। एक सहेली नाम से आता है जो कंट्रासेप्टिव क्या है पिल्स होता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि क्या वीकली यूज किया जाता है फीमेल द्वारा, क्या होता है वीकली यूज किया जाता है और ये क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल होता है, ठीक है नॉन स्टेरॉयडल होता है और यह भी कंट्रासेप्टिव की तरह काम किया करता है। अगर तो बात करें सहेली सबसे पहले CDRI लखनऊ में बना था यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में इसको क्या किया गया था बनाया गया था, ठीक है तो ये हो गया। नेक्स्ट IUDs होता है, IUDs क्या होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड आर इंसर्टेड बाई डॉक्टर आर एक्सपर्ट्स नर्सेज इन द यूटरस थ्रू वेजाइना, मेनी टाइप्स ऑफ द IUDs आर यूज्ड। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है कुछ डिवाइसेज होती हैं जो कि फीमेल यूटरस के में क्या किया जाती है इंसर्ट करा दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी के चांस क्या होते हैं कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे नॉन मीडिएटेड IUDs, इसमें क्या होता है नॉन मीडिएटेड IUDs का मतलब इसमें कोई भी मेडिसिनल रीज यानी कि कोई भी मेडिकेशन यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लैपिस लूप, जो लैपिस लूप होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है तो ना तो इसमें कोई केमिकल रिलीज होगा और ना ही कोई इसमें आयंस रिलीज होंगे, जैसे मान लीजिए मेटल आयंस रिलीज होते हैं तो ये भी नहीं रिलीज होगा, ये इससे का एग्जांपल है लैपिस लूप। नेक्स्ट बात करें कॉपर रिलीजिंग IUDs, यानी कि उसमें क्या होगा कॉपर रिलीजिंग IUDs में क्या होगा कॉपर रिलीज होगा, जैसे कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375, ये इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हार्मोन रिलीजिंग IUDs एग्जांपल प्रोजेस्टर्स LNG20, प्रोजेस्टर्स और LNG20 जो है वो हार्मोनल रिलीजिंग IUDs हैं। इम्प्लांट एंड इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन अलोन आर कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन आर इम्प्लांट अंडर द स्किन देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, यानी कि इम्प्लांट और इंजेक्शन आते हैं
इम्प्लांट और इंजेक्शन आते हैं जिसका यूज क्या किया जाता है, फीमेल फीमेल बॉडी के अंतर्गत यूज किया जाता है। ये भी क्या होते हैं, मेनली हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस होने होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन रेट क्या होता है, कम हो जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन कम रेट कम होगा, यानी कि बेबी प्रोडक्शन पे क्या, बेबी की प्रोडक्शन पे क्या हो जाएगी, मतलब कि ग्रोथ पे स्टिक, यानी रुक जाएगा, बेबी ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी ऑलरेडी रुक जाएगी। ये सभी क्या है, ये जब भी चीज़ें हैं क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ को बेसिकली रोकने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर्जिकल मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड, सर्जिकल मेथड इज परफॉर्म इन बोथ मेल एंड फीमेल। सर्जिकल मेथड इज आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड विच ब्लॉक द गैमेट ट्रांसफर एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। इट इज टू टाइप, सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, कुछ सर्जिकल मेथड हैं जो भी जो क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो जो ब्लॉक कर देते हैं गैमेट ट्रांसपोर्ट को। गैमेट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, फीमेल की ओवेरी से निकलता है फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाता है गैमेट्स, तब क्या किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। मेल से क्या होता है, मेल के एपिडिडाइमिस वॉसा डिफरेंसा से होता हुआ गैमेट कहाँ पे जाता है, यानी कि पेनिस के थ्रू इजेकुलेट होता है, उसके भी पाथ को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अब उसमें कैसे किया जाता है, नीचे है टू मेथड, ट्यूबेक्टोमी। इन ट्यूबेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब रिमूव आर टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसीजर इन द एब्डोमन और थ्रू वेजाइना। ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो फीमेल का जो फलोपियन ट्यूब होता है उसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, उसको कट करके उसको टाइड अप कर दिया जाता है, जिससे जो फीमेल गैमेट्स है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। अब वो ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें वैसेक्टोमी, इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉसर डिफरेंसा इज रिमूव्ड बाय टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। इसमें क्या होता है, वैसेक्टोमी के अंतर्गत क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि वॉसर डिफरेंसा होता है, उसको क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। अब उसको कट कर दिया जाएगा तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा, अब स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यानी कि ये जो उसके लिए जो कट किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम का मतलब जो होता है, स्क्रोटम यानी जो टेस्टिस, जिसमें टेस्टिस होता है, टेस्टिस कवरिंग क्या बोला जाता है, स्क्रोटम बोला जाता है। ठीक है, तो वहीं पे क्या है, उसको कट किया जाता है, कट करने के बाद वॉसर डिफरेंसा को टाइट कर दिया जाता है, जिससे गैमेट का ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या है, इंडिया वाज अमंगेस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। दिस प्रोग्राम कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड इन 1951 व्हेन वेयर पीरियडिकली असिस्टेड ओवर द पास्ट डिकेड्स। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसने पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए क्या, बहुत सारे प्रोग्राम को रिलीज किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाए। ठीक है, और सबसे पहला प्रोग्राम यानी कि द प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, उसे क्या बोला गया, फैमिली प्लानिंग बोला गया, फैमिली प्लानिंग बोला गया, और उसको सबसे पहले चलाया गया 1951 में, और उसको पीरियोडिकली समय समय पर उसमें क्या चेंजेस करते चले जाएंगे, यानी जो भी चेंजेस करना था उसको चेंजेस करना चले गए। ठीक है, तो वो ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपुल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। यानी कि ऑडियो विजुअल, यानी कि ऑडियो वीडियो, प्रिंट मीडिया और गवर्नमेंटल एजेंसीज, यानी कि आप लोगों ने देखा है मल्टी मीडिया के थ्रू क्या होता है, जागरूक बनाया जाता है, लोगों को क्या किया, अवेयर किया जाता है फैमिली प्लानिंग की तरफ, फैमिली प्लानिंग की तरफ लोगों को क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें की जाती है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, अगर सेक्स की एजुकेशन के बारे में अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टीचर फ्रेंड शुड बी द इनकरेज द प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग वंस। यानी कि जो यंग है उनके लिए टीचर, उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स सभी लोग क्या कर सकते हैं, उनको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी फैमिली को सेटअप करने के लिए वो लोग उनको बता सकते हैं। ठीक है, और एंड हैविंग द मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, और उनको मिसकंसेप्शन यानी कि सेक्स रिलेटेड जो भी मिसकंसेप्शन है उसको भी वो लोग उनको बता सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दिया जा सकता है, ये सब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर बात करें सम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम गिवन बिलो, यानी सम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं क्या है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर,
यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, आप लोगों को याद होगा तो NHM के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP, ये भी हमने पढ़ा है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, ये भी हमने पढ़ाया है, पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। बाकी आप लोगों को ये याद करना है, याद रखना होगा, इतना बारे में, इतना इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आप लोगों को इसको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज द एक्टिविटी बाई विच द नर्सिंग द न्यू बॉर्न बेबी विथ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड कम्प्लीट द न्यूट्रिशनल डिमांड स्टैंड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अप टू अ सर्टन पीरियड। ब्रेस्ट फीडिंग एक एक्टिविटी होती है जिसके जिसमें क्या होता है, ब्रेस्ट द्वारा मिल्क को प्रोवाइड किया जाता है किसको, चाइल्ड को, और उसके चाइल्ड को ब्रेस्ट द्वारा मिल्क प्रोवाइड कराया जाता है, और मिल्क में जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड होती है, यानी जो भी न्यूट्रिशनल होता है वो बच्चे के पास पहुंच जाता है, और उसकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, पूरी हो जाती है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन द वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडीज, फैट, हार्मोन, विटामिंस, मिनरल्स एंड अदर इम्यून सेल्स। तो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वाटर कंटेन करता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीबॉडीज, फैट, हार्मोन्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड अदर इम्यून सेल्स, और अदर इम्यूनिटी सेल्स भी क्या करता है, कंटेन करता है। नेक्स्ट बात करें, द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इन्फेंट सॉरी इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम्स विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, यानी कि इनिशियली जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, यानी कि ड्यूरिंग द जब बेबी का पार्चुरेशन होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम जो मदर द्वारा जो मिल्क रिलीज किया जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट द्वारा जो मिल्क रिलीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, आप लोगों ने ऐड देखा होगा, तो बहुत सारे ऐड में देखा जाता है कि सबसे पहले अगर बच्चा पैदा होता है तो माँ को सबसे पहले माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए, ठीक है, इसे आप लोगों ने ऐड देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या, उसे क्या बोलते हैं, हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसी गाढ़े पीले दूध को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और उस कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं, याद रखिएगा आप लोग, कितना ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत सारी उसमें क्या होती है, इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, जो कि बच्चे को क्या, बच्चे को इम्यूनिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। अगर कोई बच्चा कोलेस्ट्रम से अछूता रह जाता है, अगर नहीं उसको उपलब्ध हो पाता है, तो वो बच्चा क्या होता है, आगे मेच्योरिटी पे उसमें कई डिफिशियंसी डिफेक्ट आते रहते हैं। तो कोलेस्ट्रम का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माँ का दूध जो है सबसे सेहतमंद, सबसे अच्छा और सबसे बेटर होता है बेबी के लिए, कब तक, ड्यूरेशन ऑफ सिक्स मंथ तक तो बिल्कुल जरूरी है माता का ही दूध, ठीक है, इसके अलावा कोई दूध नहीं। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का इंपोर्टेंस क्या है, सबसे पहले समझते हैं, इन चाइल्ड केयर सॉरी फॉर चाइल्ड केयर के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार यानी कि स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, और इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो लैंग्वेज लिखा गया है उसी लैंग्वेज को लिखे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस पावर, तो मदर मिल्क कंटेंस द मेनी एंटीबॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द डिजीज। IgE इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ह्यूमन कोलेस्ट्रम एंड मिल्क रेजिस्टेंट प्रोवाइडिंग द मिल्क अगेंस्ट डिजीज लाइक अस्थमा, रिस्पिरेटरी डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, ईयर इन्फेक्शन, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कैंसर एंड एनी सिंड्रोम ETC। यानी जो मदर मिल्क होता है वो इम्यूनिटी कंटेन करता है और हमें हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और कौन कौन से रोग, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज, ओबेसिटीज, डायबिटीज, ईयर इन्फेक्शन, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कैंसर एंड अदर सिंड्रोम को भी रोकने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फुलफिल न्यूट्रिएंट सप्लाई। मिल्क आर द बेस्ट फूड सप्लीमेंट फॉर द ग्रोइंग बेबी बिकॉज इट कंटेन्स द एसेंशियल सप्लीमेंट विटामिंस, मिनरल, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैट और लिपिड ETC रिक्वायर्ड एंड अबंडेंट अमाउंट। यानी कि मदर मिल्क जो होता है वो बेबी की न्यूट्रिएंट सप्लाई को भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। जैसे उसमें क्या है, मिनरल्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, लिपिड्स, विटामिन क्या होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है,
और वो बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मिल्क क्या करता है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सप्लीमेंट, इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑफ बॉडी पार्ट, बोन, मसल, लीवर, ब्रेन, हार्ट, ETC एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथ टू द बॉडी पार्ट। यानी कि जो मिल्क होता है वो इन्वॉल्व सप्लीमेंट हेल्प प्रॉपर ग्रोथ, यानी प्रॉपर ग्रोथ कराता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किस बेबी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प कराता है, जिससे बोन, मसल्स, लीवर, ब्रेन, हार्ट क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इसीलिए मदर मिल्क बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। जब पैदा हो बच्चा तो मदर मिल्क ही सबसे अच्छा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, जब पैदा हो बच्चा मदर मिल्क है सबसे अच्छा। तो ये आप लोग इस नारे को, यानी कि इस स्लोगन से आप समझ पा रहे हैं कितना जरूरी होता है बच्चे के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट फॉर मदर केयर। अब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चे के लिए तो जरूरी है ही, मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मदर कराएगी तो उससे मदर के लिए भी क्या हो गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकता है, इस चीज़ों को समझिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज सिंपली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी ग्रोथ, अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मदर हेल्थ इन मदर केयर इट सेफ फ्रॉम द मेनी कंडीशन। यानी कि बच्चे के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है, इसके अलावा मदर के लिए भी ये जरूरी है। अब ये जरूरी कैसे है, इस चीज को समझते हैं। कैसे, डायबिटीज, ओवेरियन कैंसर, रेगुलेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्रेस्ट कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। यानी कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो वो मदर है उसको क्या, डायबिटीज से बचाएगा, ओवेरियन कैंसर से बचाएगा, रेगुलेट करेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्रेस्ट कैंसर को, और हाई ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, वो रोकेगा। ठीक है, इन सब चार चीज़ों में हेल्प करेगा कौन, ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, फार्मासिस्ट रोल इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अलग से इसको कैटेगराइज कर लिया है, लेकिन आप जो हमने पीछे पढ़ाया था फार्मासिस्ट रोल, उसको भी यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वही चीज़ें हैं, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इस चीज़ याद रखिएगा, जो पहले हमने पढ़ाया था वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप कहीं भी लिख सकते हैं, वो एक कॉमन पॉइंट है। कभी भी कोई पॉइंट आया आप वहाँ पे फार्मासिस्ट रोल में उसको लिख सकते हैं, एडजिट लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फार्मासिस्ट रोल इन द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इफ एनी प्रॉब्लम कम रिगार्डिंग टू द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, देन फार्मासिस्ट अप्लाई वेरियस कंट्रासेप्टिव ऑप्शन एंड प्रिस्क्राइब इनिशिएट इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मदर और चाइल्ड, यानी कि मदर और चाइल्ड, यानी कि कोई मान लीजिए मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो मदर और चाइल्ड के बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कि या तो मदर को हार्म हो रहा है, अगर चाइल्ड ग्रोथ कर रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है, तो अगर मदर को हार्म है या बच्चे को कोई हार्म है, तो उस दौरान हम क्या, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन दे सकते हैं, उसको इमरजेंसी में उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट कर सकता है, फार्मासिस्ट उसको देख रेख कर सकता है। नेक्स्ट, अवेयर द पेरेंट्स एंड सप्लाई वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। और फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि वो उसको वाइटामिन दे सकता है, सप्लीमेंट दे सकता है, क्योंकि जब बेबी ग्रो करता है उस दौरान मदर्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी, विटामिन्स की, मिनरल्स की, आयरन्स की, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फार्मासिस्ट इस चीज़ को प्रोवाइड करा सकता है या उस चीज़ के लिए प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फार्मासिस्ट रिकमेंडेड ड्रग थेरेपी डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो डिसाइडेड ड्रग फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो वही बात है कि फार्मासिस्ट होता है वो, अब देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो ड्रग होता है, ड्रग का डोज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अदरवाइज अगर ड्रग का डोज अगर सही नहीं देंगे तो एबॉर्शन कॉज कर सकता है, इसलिए जो ड्रग का डोज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, कौन सी मेडिसिन कैसा इफेक्ट करेगी प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब सारी चीज़ें जानना भी फार्मासिस्ट के लिए बहुत उचित होता है, और फार्मासिस्ट इन सब चीज़ों के बारे में जानता है, इसीलिए वो क्या कर सकता है, उस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट, फार्मासिस्ट मेक डिसीजन रिगार्डिंग एसेसिबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मेडिकेशंस एंड लेबर डिलीवरी एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड स्टेराइल मेडिकेशन प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। यानी कि जब डिलीवरी होती है, यानी बेबी की जब डिलीवरी होती है, यानी कि जब मदर डिलीवर करती है चाइल्ड को, उस दौरान जो भी चीज़ें जरूरत हो सकती हैं, जो भी जरूरी है, वो सारी चीज़ों का भी व्यवस्था कौन कर सकता है, फार्मासिस्ट कर सकता है, फार्मासिस्ट के लिए ये रूल दिया गया है।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फार्मेसी सपोर्ट द ब्रेस्ट फीडिंग वेन रिप्लेसमेंट फीडिंग इज एक्सेप्टेबल, फिसाई फेसिबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड सेफ, अवॉइडेंस ऑफ ऑल ब्रेस्ट फीडिंग बाई एच आई वी इन्फेक्टेड मदर इज रिकमेंडेड। यानी कि फार्मासिस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करा देता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, जब मान लीजिए कोई मान लीजिए रिप्लेसमेंट फीडिंग करानी है, यानी कि मान लीजिए कभी कभी होता है मदर मदर पर्याप्त मात्रा में मिल्क को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो उस टाइम क्या किया जाता है, बेबी को अदर सप्लीमेंट दिया जाता है, तो उसको भी उसमें भी वो रोल फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, रोल अदा कर सकता है, बच्चे को जो बाहर से सप्लीमेंट देना है उसको प्रोवाइड करा सकता है, ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट कर सकता है, और मेनली एच आई वी इन्फेक्टेड मदर रिकमेंडेड। और ये जो है रिप्लेसमेंट फीडिंग है, रिप्लेसमेंट फीडिंग का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल मदर है वो अगर मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उस दौरान आप जो बाहर से मिल्क जो होते हैं, बाहर से जो पैकेजिंग मिल्क होते हैं उस चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यही इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट फीडिंग का। और ये मेनली किस में, एच आई वी इन्फेक्टेड मदर रिकमेंडेड। जो एच आई वी इन्फेक्टेड मदर होती है, यानी कि अगर एच आई वी इन्फेक्टेड मदर होती है उस दौरान ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप रिप्लेसमेंट फीडिंग कराएं, ठीक है, नहीं तो अगर बच्चे में एच आई वी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये इसमें भी पार्टिसिपेट करता है फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट अप्लाई द इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू चाइल्ड एंड ड्रग थेरेपी, ओरल रेडिएशन साल्ट एंड जिंक थेरेपी एंड ऑल्सो इंश्योर नो डिफिशियंसी, क्वालिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट। फार्मासिस्ट सप्लाई करा सॉरी, फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकता है बच्चे को, यानी जो भी मान लीजिए चाइल्ड ग्रोथ कर रहा है या न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसको क्या क्या चीज़ें जरूरत है उस चीज़ों को भी प्रोवाइड करा सकता है। ओरल रेडिएशन साल्ट ORS, आप लोगों को पता होगा, ORS का घोल भी प्रोवाइड करा सकता है, जिंक थेरेपी भी दे सकता है क्योंकि जिंक पाउडर्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इन सब सारी चीज़ों की जो फैसिलिटी है वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट आल्सो पार्टिसिपेट इन द हेल्थ प्रोग्राम एंड अवेयर द पेरेंट्स टू एनी डिजीज कंडीशन एंड प्रोवाइड द प्रॉपर प्रिकॉशंस। यानी कि फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए यानी कि जच्चा बच्चा, आप लोग जानते हैं सुने ही होंगे, मदर और चाइल्ड में अगर किसी भी चीज़ की कमी है या किसी चीज़ की मान लीजिए कोई डेंजरस में, अगर मान लीजिए अगर बच्चा पैदा होता है तो मदर की डेथ हो जाती है या मदर अगर बच जाती है तो बच्चे की डेथ हो जाती है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो फार्मासिस्ट पेरेंट्स को बता सकता है, पेरेंट को अवेयर कर सकता है इन सब सारी चीज़ों के बारे में, ये सब सारी चीज़ें उनको अधिकार दिया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें फार्मासिस्ट का रोल होता है किसमें, ड्यूरिंग द यानी कि प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट फॉर इन्फेंट मिल्क, सम कंडीशंस मदर आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीडिंग ड्यू टू रीजन लो मिल्क प्रोडक्शन, सीवियर डिजीज कंडीशन ETC, देन सब्स्टिट्यूटेड अल्टरनेटिव मिल्क आर वन वे टू फुलफिल द बेबी नीड्स अदर देन द मदर मिल्क। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप लोगों को बताया मैंने कि कुछ कुछ मदर होती हैं जो कि ड्यूरिंग यानी कि आफ्टर द पार्चुरेशन वो मिल्क ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, इसलिए क्या किया जाता है यानी कि सब्स्टिट्यूटेड मिल्क को यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूटेड मिल्क यानी कि जो मार्केट में मिल्क आते हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है, उसे और क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव मिल्क भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव मिल्क उसे भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मिल्क की सिंथेसिस फ्रॉम द लिक्विड पाउडर न्यूट्रिशन डिजाइन टू द क्लोजली मिमिक द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। यानी जो सब्स्टिट्यूटेड मिल्क होता है या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या पाउडर फॉर्म में होगा और वो मिमिक होगा, यानी कि जो मदर मिल्क होता है लगभग लगभग उसके बराबर उसकी क्वालिटी को रखा जाता है और वही ब्रेस्ट फीड यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो निकलता है उसी की क्वालिटी के बराबर जो उसकी क्वालिटी होती है न्यूट्रिएंट की उस चीज़ों को रखा जाता है। इट प्रोवाइड अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज, फैट एंड प्रोटीन एज ब्रेस्ट मिल्क। यानी जो भी ब्रेस्ट मिल्क में कैलोरीज होती हैं, फैट होती है, प्रोटीन्स होता है, इन सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड कराता है कौन, सब्स्टिट्यूटेड मिल्क। नेक्स्ट अगर बात करें, इन डायर सिचुएशन यू मे ऑफर पास्चुराइज काउ, सीप और गोट मिल्क फुल फैट। यानी डायर यानी कि भूख की कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप काउ का मिल्क, शीप का, गोट का मिल्क भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड अल्टरनेटिव मिल्क पी प्रोटीन सोया आर द बेस्ट फॉर 2 to 3 डे एज लॉन्ग एज दीज नॉट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन 12 to 24 मंथ। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप पी प्रोटीन, सोया 2 से 3 दिनों तक आप बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। यानी जब तक कि बच्चा 12 से 24 मंथ का नहीं हो जाता है, उससे ऊपर नहीं हो जाता है, तब तक ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो हो मदर मिल्क सबसे पहला,
माँ का दूध ही पहला होगा, ठीक है। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, आइडियल करेक्टेड ऑफ द इन्फेंट सब्सटीट्यूटेड मिल्क, जो भी हम सब्सटीट्यूटेड मिल्क ला रहे हैं यानी मार्केट से जो भी हमारा सब्सटीट्यूटेड मिल्क आ रहा है उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, यानी कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी वो समझते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल टू द ब्रेस्ट मिल्क लाइक कलर स्मेल टेस्ट टेक्सचर। सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हमने मिल्क लाया है वो क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क की तरह होना चाहिए, उसमें यानी कलर होना चाहिए, स्मेल, टेक्स्ट और टेक्सचर सभी क्या होने चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क की तरह होना चाहिए। प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएशन, कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, और वो सभी प्रकार की कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स को प्रोवाइड कराए बच्चे को। नेक्स्ट, डू नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन, और किसी भी बच्चे में एलर्जिक रिएक्शन ना कॉज कर। कभी भी होता है कि जो पैकेट वाले दूध होते हैं वो कभी कभी किसी बच्चे को एलर्जी भी कॉज कर जाते हैं, तो इसलिए उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि वो किसी एलर्जी कॉज ना करें। इजिली डाइजेस्टिबल फॉर इन्फेंट, और इन्फेंट के लिए वो इजिली डाइजेस्टिबल हो, इन्फेंट उसको इजिली डाइजेस्ट कर जाए। इजी एब्जॉर्बेबल फॉर इन्फेंट, और एब्जॉर्ब यानी कि इन्फेंट द्वारा इजिली क्या कर लिया जाए, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। इजी अवेलेबल एंड लो इकोनॉमी, इजिली अवेलेबल हो जाए और वो क्या हो, सस्ता होना चाहिए भाई, सही है। ये क्या हो गया, ब्रेस्ट मिल्क का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है। डू नॉट कॉज एनी डिजीज कंडीशन, और कोई भी डिजीज कंडीशन उसके द्वारा न उत्पन्न हुए, ये सारी चीजें होती है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक। नेक्स्ट, डिजीज इन रिलेटेड टू सब्सटीट्यूटेड मिल्क, सब्सटीट्यूटेड मिल्क के द्वारा कौन कौन सी डिजीज फैल सकती है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। सब्सटीट्यूटेड मिल्क सम टाइम कॉज द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इन इन्फेंट एंड कॉज द एक्जिमा और रैशेज। कभी कभी क्या होता है, जो सब्सटीट्यूटेड मिल्क होते हैं एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर जाते हैं जिससे एक्जिमा और रैसेज होने लगते हैं बॉडी पे। नेक्स्ट, सम इन्फेंट आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सब्सटीट्यूटेड मिल्क, सो इट कॉज डायरिया एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। कभी कभी क्या होता है, जो सब्सटीट्यूटेड मिल्क है वो क्या, बच्चे इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है और रिस्क हो जाता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। एंटेरोकोलाइटिस मतलब जो हमारा कोलोन है यानी कि जो इंटेस्टाइन का कोलोन वाला पार्ट होता है उसमें क्या आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है या उसमें क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, उसी को बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस ये छोटी टर्म नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी है। अभी तक आप समझ लीजिए इसको कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन का जो कोलोन वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है उसमें। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू इट नॉट इम्प्रूव द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट। अगर मान लीजिए जो सब्सट्रेट मिल्क होता है, अब माता की मिल्क की तरह यानी मदर मिल्क की तरह, तो वो कंप्लीट फुल न्यूट्रिएंट तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें कम रहती है जिसकी वजह से जो बच्चे का न्यूट्रिशनल ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूट्रिशन प्रॉपर इम्यूनिटी आर नॉट डेवलप्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज। अब देखिए इम्यूनिटी पूरी नहीं है, अब मिल्क में इम्यूनिटी तो नहीं दिया जा सकता है ना, जो भी सब्सटीट्यूटेड मिल्क उसमें इम्यूनिटी तो दिया नहीं जा सकता है, इसलिए उसे इम्यूनिटी क्या होती है, बच्चे की कम भी हो सकती है। सो बेबी फेस मेनी लाइक डायबिटीज, न्यूमोनिया, ओबेसिटी, ल्यूकेमिया, रेस्पिरेटरी डिजीज। इसलिए बच्चा क्या डायबिटीज से, न्यूमोनिया से, ओबेसिटी से, ल्यूकेमिया, रेस्पिरेटरी डिजीज से भी जूझ सकता है। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूटेड मिल्क इज इजी डेटेरियरेट बाय द बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ, सो इट आल्सो हार्म द इन्फेंट्स। जो सब्सटीट्यूटेड मिल्क होते हैं उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ और वायरल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप सब्सटीट्यूटेड मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप उसको हमेशा ढक के रखें, नहीं तो उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट वगैरह देख के आप बहुत ना ध्यान से उसको चीज को खरीदें भी तो बहुत ध्यान से उसको खरीदें, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को हार्म भी कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन इट आल्सो कॉज द मल न्यूट्रिएशन। अब इसमें क्या होता है, मल न्यूट्रिएशन का मतलब होता है कंप्लीट न्यूट्रिएशन प्रोवाइड न करा पाना, ठीक है। अब इसी यही होता है न्यूट्रिएशन, तो ये हो गया कंप्लीट इन रिलेटेड टू सब्सटीट्यूटेड मिल्क। आप लोगों को समझ में आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग क्या होती है, बॉटल फीडिंग इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द आइडेंटिकल कंडीशन एनवायरनमेंट दैट सिमिलर टू द ब्रेस्ट फीडिंग एंड नरिश द बेबी बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट फुल सप्लीमेंट। ब्रेस्ट यानी बॉटल फीडिंग में क्या होता है, बॉटल फीडिंग के अंदर क्या होता है, वही कंडीशन प्रोवाइड कराया जाता है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कराया गया था। यानी कि बॉटल फीडिंग में आपने देखा होगा, बॉटल फीडिंग उसको बोलते हैं निपल, निपल बोलते हैं पूरा, उसमें क्या कहता है, निपल जो होता है
वो मदर ब्रेस्ट पे, मदर ब्रेस्ट का जो निपल होता है सेम उसी की तरह से उसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है, उसी प्रकार डिजाइन किया गया है, तो उसे बॉटल फीडिंग बोलेंगे। उसी को क्या करते हैं हम, उसमें सब्स्टिट्यूटेड मिल्क को ऐड कर देते हैं और उसी को बच्चे को हम क्या करते हैं, निप्पल बच्चे को दे देते हैं, जिससे वो क्या आराम से दूध को पी सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, बॉटल फीडिंग बोलते हैं। आप लोगों ने जनरली देखा होगा बॉटल फीडिंग। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द बॉटल फीडिंग होल्ड योर बेबी इन द प्रॉपर मैनर एंड टेक द बॉटल कम्स क्लोज टू द बेबी एंड इंक्लाइन द बॉटल एट एन एंगल 45 to 90 डिग्री। ये बताया जा रहा है कि बॉटल फीडिंग कराते समय आप लोगों को प्रॉपर मैनर में रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर मैनर रखना ही बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यानी कि वो बच्चा, बच्चे को लगना चाहिए कि हम जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वैसी कंडीशन हमारे साथ है, अदरवाइज बच्चा क्या करता है, निपल नहीं यूज करता है, यानी निपल नहीं पी पाता है, निपल द्वारा जो मिल्क है वो सक नहीं करता है। तो इसलिए जो भी कंडीशन है आप लोगों को उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और बॉटल का जो एंगल, यानी कि बॉटल पकड़ना है, हम बॉटल से आप पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो उसका जो एंगल होगा 45 to 90 डिग्री तक वेरी कर सकता है। उसी के बीच में आप एंगल करेंगे तो इजिली जो होगा, जो मिल्क होगा वो बेबी द्वारा सक कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया बॉटल फीडिंग। नेक्स्ट अगर बात है, सम प्रिकॉशन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फीडिंग। आप अगर बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी आपको, इसके बारे में हम बताते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग एंड हाइजीन रिक्वायर्ड फॉर द बॉटल फीडिंग टू इंश्योर द फीडिंग सप्लीमेंट विच आर हेल्दी फॉर बेबी आर नॉट, ठीक है। तो पहले तो बॉटल जो है उसको प्रॉपर क्लीन कीजिए और हाइजीनिक कंडीशन उसका मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट, जो भी आप फीडिंग सप्लीमेंट दे रहे हैं तो वो आप देखिए कि बेबी के लिए हेल्दी है या नहीं है, इस सारी चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, टू इंश्योर द फीडिंग बॉटल प्लास्टिक स्टेनलेस स्टील आर द कंपेटेबल विद द फीडिंग सप्लीमेंट। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी हम पाउडर यानी सब्स्टिट्यूटेड मिल्क यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारा जो बॉटल है उससे साथ कोई इनकम्पेटेबल तो नहीं है। अगर वो इनकम्पेटेबल होगा यानी कि वो केमिकल रिएक्शन कर लेगा और वो क्या एलर्जी भी कॉज कर सकता है। ट्राई डेट मस्ट टू द फीडिंग इज मेड, गिव द बेबी ड्रिंक इमीडिएटली एंड डू नॉट लीव फॉर लेटर बिकॉज सप्लीमेंट आर इजिली डिटेरियोरेट बाई द एनवायरमेंट। अब क्या होता है, सब्सटीट्यूटेड मिल्क आपने बनाया है तो उसे तुरंत यूज कर जाइए। बॉटल फीडिंग के लिए आपने जितना सब्सटेंट बनाया है उसको तुरंत यूज की जाइए, उसको बाद के लिए मत छोड़िए, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है। या तो कम अमाउंट में बनाइए, या तो जितना बनाइए उतना आप उसको बेबी को पिला दीजिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर कंडीशन एंड प्रॉपर पोजिशन आर रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट फीडिंग। प्रॉपर कंडीशन और प्रॉपर पोजीशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। अभी तक तो हमने यहाँ तक देख लिया है, आगे वैक्सीन के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ तक आपने, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा लेक्चर बड़ा तो होगा ही, क्योंकि आप लोग अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में टोटल 18 आवर्स का कंप्लीट ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को तैयार, हमने क्या किया है, नोट्स को तैयार किया है, जिसका नोट्स जो है हमारे वेबसाइट notescard.com पे उपलब्ध है। आप वहां से डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इजीली पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट जाके नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस जो PPT है हमारा, जो इसमें लेक्चर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। अगर हम कंप्लीट पॉइंट्स को लें तो बहुत ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अभी भी तो होगा ही, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम पढ़ा रहे हैं, आगे अगर आप लोगों को कोई अगर असुविधा होगी, जैसे मान लीजिए ये लेक्चर अब चल रहा है लेक्चर, अब जितना बड़ा हो जाए आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को लगेगा कि लेक्चर ज़्यादा हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि पार्ट वाइज डिस्कशन अच्छा रहेगा या एक चैप्टर यानी चैप्टर वाइज डिस्कशन अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा लंबे हैं, जैसे मान लीजिए 18 आवर्स का है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 10 आवर्स का है, इसके बाद 25 आवर्स का है। तो अगर आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो, यानी कि ये क्या होगा कंप्लीट वीडियो, इसमें अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो सही है, नहीं तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसे, अगर चैप्टर वाइज यानी कि पार्ट वाइज चाहिए, कोई वीडियो पार्ट वाइज चाहिए तो आप उसको भी बता सकते हैं। हमारे हिसाब से तो यही होगा कि कंप्लीट यानी चैप्टर वाइज अगर कोई वीडियो हो तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगी, क्योंकि कई बार होता है कि कई पार्ट में वीडियो होता है तो समझ नहीं आता है कौन सा पार्ट किधर है, कौन सा पार्ट किधर है, नहीं इजीली समझ में आ पाता है बच्चों को। तो इसलिए आप ही लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा चीज़ तक कंफर्टेबल है या क्या सुटेबल है, ये आप ही चीज़ बता सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन इज द केमिकल सब्सटेंसेस आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड द एक्टिव इक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज।
वैक्सीन एक केमिकल सबस्टेंस होता है या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि हमें एक्वायर्ड यानी एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कराती है किसी भी डिजीज के लिए। कोई भी डिजीज हो रहा है उसके अगेंस्ट हमारे अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी उत्पन्न करना ही क्या होता है वैक्सीन का मेन कारण होता है। जनरली वैक्सीन कंटेंस द रिजेंबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर केमिकल सबस्टेंसेस टॉक्सिन सरफेस प्रोटीन ईटीसी इन इनएक्टिव किल्ड फॉर्म। जनरली वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जो भी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है वही बेसिकली क्या होते हैं वैक्सीन में होते हैं, और या तो उसके केमिकल सबस्टेंस का यूज किया जाता है जैसे टॉक्सिन सरफेस प्रोटीन का यूज किया जाता है और उसको इनएक्टिवेटेड या किल्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। यानी कि जो भी माइक्रो जैसे वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन में क्या किया जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्शन कर रहा है हम उसको ले लेते हैं, या तो उसको किल्ड कर देंगे या उसको इनएक्टिव कर देंगे और वही हम अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं इंजेक्ट करा देते हैं। अब वो जब इंजेक्ट होता है तो क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। या इसके अलावा आप केमिकल्स को भी यूज कर सकते हैं जैसे उस बैक्टीरिया द्वारा जो भी केमिकल सीक्रेट हो रहा है या वो या उसके द्वारा जो सरफेस प्रोटीन है उसको आप यूज करके भी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। वैक्सीन में यही बेसिकली होता है। वैक्सीन प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोफाइलेटिक एंड द थेरेप्यूटिक रोल इन द मेनी डिजीजेज। इसलिए वैक्सीन को क्या बोल सकते हैं, प्रोफाइलेक्टिक का काम करता है यानी पहले से हमें सुरक्षा प्रदान कराने के लिए यानी कि पहले से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है कौन, वैक्सीन। नेक्स्ट अगर बात करें, वैक्सीन प्रोवाइड द प्राइमरी रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द इनिशियल इन्फेक्शन एंड क्रिएट द इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। अब जब हमने पहली बार वैक्सीन लिया तो जो भी ये रिस्पॉन्स आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इट प्रोवाइड द सेकेंडरी रिस्पॉन्स बाय डेवलपिंग द मेमोरी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। समझिएगा इस पॉइंट को क्या कहना चाहता है। सबसे पहले जब आपको वैक्सीन लगती है तो आपको इम्यूनिटी मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं वो, और वो आपका जो डिजीज है वो क्या होता है कंट्रोल होता है, उसे हम क्या बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसके अलावा जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमारी मेमोरी सेल्स जो होती हैं, ठीक है, हमारी जो मेमोरी सेल्स होती है उसमें क्या हो जाती है स्टोर हो जाता है, और अगर बाद में कोई डिजीज कंडीशन फिर आपके अंदर आई तो वही देता है आपको रिस्पॉन्स, वही इम्यूनिटी आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है जिसे हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, और इस रिस्पॉन्स बोलते हैं और बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी तुरंत, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तैयार रहती है पहले से, अगर कोई डिजीज आई तो तुरंत तुरंत आपकी इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट काम करने लगती है, इसलिए वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है। ये हो गया वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन आर दो सबस्टेंसेस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीजन एक ऐसा सबस्टेंस होता है या ऐसा केमिकल सबस्टेंस ये बोल सकते हैं या फॉरेन मटेरियल बोल सकते हैं जो कि हमें क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराता है। इट बिहेव्स लाइक फॉरेन पार्टिकल्स, आप लोगों को बताया हमने, अनडिजायरेबल चेंजेस देन रेसिपिएंट बॉडी प्रेजेंट इटसेल्फ प्रोटेक्ट इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। मान लीजिए कोई एंटीजन जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हमारे अंदर आया, अगर हमारे अंदर आएगा तो हमारे में क्या डिजीज कॉज करेगा। अब डिजीज कॉज करेगा यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे क्या हमें चेंजेज होंगे यानी बुखार सर्दी जुकाम खांसी ये सारी चीजें होंगी उसमें। अब उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो होगी वो तुरंत एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी उस बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करेगी रोक देगी या उसको नष्ट कर देगी, ठीक है। ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसे क्या बोलेंगे वायरस है उसे क्या बोलेंगे एंटीजन। नेक्स्ट होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज द प्रोटीनियस प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन सबस्टेंस लाइक बैक्टीरिया वायरसेस इट इज एंड न्यूट्रलाइज देयर एक्टिविटी। एंटीबॉडीज क्या होती है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो भी हमारा प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बना, हमारी बॉडी में एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बनता है या प्रोटीनियस मॉडिफिकेशन बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, और वही हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता हुई होती है उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको क्या बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। एंड ईच मॉलिक्यूल कंटेन फोर पेप्टाइड चेन टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन एंड टू हैवी चेन लॉन्गर चेन H2L2 बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है वो दो चेन की बननी होती है, दो हल्की चेन होती है और दो भारी चेन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं H2L2 बोलते हैं यानी कि हैवी चेन और लाइट चेन बोलते हैं। इसके अलावा आप एंटीबॉडीज का डायग्राम भी बना सकते हैं। इतना ज़्यादा कंटेंट हो इसमें जो इस PPT में इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है कि अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप
डायग्राम उसको डायरेक्ट देख सकते हैं, बुक से कहीं प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसका डायग्राम बहुत ईजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी तक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम कुछ डायग्रामेटिक व्यू नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि जो भी लेक्चर्स हैं उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाए, आप लोगों को डायग्रामेटिक समझा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे की बात है वो आगे समझते हैं। हिस्ट्री, सबसे पहले वैक्सीन की हिस्ट्री के बारे में समझें। डिस्कवरी ऑफ इम्यून सिस्टम, एडवर्ड जेनर। इम्यून सिस्टम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड जेनर साहब किए थे 1749 में से 1823 तक, ये तो इनका कार्यकाल का समय है। इसके बाद ही वॉज क्रिएटिंग द कंसेप्ट ऑफ द वैक्सीन एंड फॉर्मुलेट द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और उन्होंने वैक्सीन का कंसेप्ट लाया और उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई, सबसे पहले उन्होंने ये बनाया था। वो बेसिकली इसके पीछे एक कहानी है, उन्होंने क्या, उन्होंने देखा था कि उस समय एक समय था जब यानी कि महामारी फैली थी काउपॉक्स की, काउपॉक्स एक रोग होता है, उस समय वो महामारी फैली हुई थी। उन्होंने देखा कि जो लोग काऊ के संपर्क में यानी गाय के संपर्क में आए, गाय का दूध यूज करते हैं यानी गाय के दूध का यूज करते हैं और दूध निकालते हैं, वो लोग काउपॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक बार हुए वो लोग उसके बाद उससे इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इसी से उन्होंने क्या कंसेप्ट निकाला वैक्सीन का, कि अगर एक बार आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो बाद में वही चीज़ आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, और उन्होंने स्मॉल पॉक्स का निर्माण कर दिया, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन का निर्माण कर दिया। ठीक है, आफ्टर डैट लुईस पाश्चर 1878 डिस्कवर द रेबीज एंड एंथ्रेक्स वैक्सीन, और इसके बाद लुईस पाश्चर साहब ने 1878 ईस्वी में रेबीज और एंथ्रेक्स का वैक्सीन को डेवलप कर दिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में हम समझते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द वैक्सीन कैटेगराइज्ड बाय द एंटीजन, इनएक्टिव माइक्रोब्स, टॉक्सिन सरफेस प्रोटीन यूज इन द प्रिपरेशन, यानी कि जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी केमिकल मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हैं एंटीजन का, ठीक है, उसके बेसिस पे हम वैक्सीन को चार टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला होता है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, LAV। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन LAV इज प्रिपेयर्ड बाई पैथोजन वायरसेस या बैक्टीरिया विच कॉजेज द इन्फेक्शन आर डिजीज डेट हैव बीन वीकेड अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, लाइव बैक्टीरिया और वायरस का यूज किया जाता है वैक्सीन प्रिपरेशन में। इसमें क्या किया जाता है, वायरस या बैक्टीरिया को उसको क्या किया जाता है, किल्ड कर दिया जाता है या उसको कमजोर बना दिया जाता है, यानी उसको वीक बना दिया जाता है। वीक बनाने के बाद उसी को हम वैक्सीन करते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं बॉडी में, और वो वीक इतना वीक होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता है और हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, और इसका एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि BCG का आप लोगों ने सुना ही होगा, BCG का टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, मिजल्स, रोटावायरस, येलो फीवर्स। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वायरस या किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ द किलिंग एंटीजन थ्रू द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, दिस किल्ड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कॉज रिस्क इंक्लूडिंग द डिजीज, दे आर आल्सो कंसीडर्ड मोर स्टेबल देन LAV वैक्सीन। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है इसमें क्या किया जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल्ड कर दिया जाता है और बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन भी बोलते हैं। और ये भी वैक्सीन क्या करती है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती है, और इसके अलावा ये मोर स्टेबल देन LAV, और जो हमारा जो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है उससे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी कि किल्ड वैक्सीन होता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल होलसेल परस्टिटिस और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस IPV, ये सारी वैक्सीन होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सब यूनिट वैक्सीन, प्योरिफाइड एंटीजन, सब यूनिट वैक्सीन कंटेंस द एंटीजेनिक पार्ट डिजीज कॉजिंग पोर्शन ऑफ एंटीजन, लाइक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इट आल्सो नॉट कंटेन द लाइव कंपोनेंट ऑफ एंटीजन, इट इज ओनली कंटेंस द एंटीजेनिक पार्ट लाइक सरफेस प्रोटीन, कंजुगेटेड केमिकल, पॉलीसेक्राइड ETC। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी हम वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एंटीजन, मान लीजिए बैक्टीरिया है या वायरस है, तो उसका हम क्या लेंगे, उसका हम पार्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए सरफेस प्रोटीन है उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी वो केमिकल रिलीज करता है उसको यूज कर लेंगे, उससे हम क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, और उस वैक्सीन को हम ह्यूमन के अंतर्गत या किसी भी बॉडी के अंतर्गत इंजेक्ट करा देंगे, जिसके अगेंस्ट क्या हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अगर उसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ए सेलुलर परस्टिटिस,
हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल हेपेटाइटिस बी, ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल कई बार डायरेक्ट एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है किस कैटेगरी की ये वैक्सीन है, तो आप लोगों को बताना जरूरी होगा। नेक्स्ट, टॉक्सॉइड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड वैक्सीन आर बेस्ड ऑन द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सर्टन बैक्टीरिया, एग्जाम्पल टेटनस आर डिफ्थीरिया, रिलीज टॉक्सिन आर यूज टू प्रिपेयर द वैक्सीन एंड दीज पार्ट आर नेसेसरी टू इलिसिट अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है, बेसिकली उस बैक्टीरिया वायरस का जो टॉक्सिन होता है उसी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है टेटनस टॉक्साइड टीटी और डिफ्थीरिया टॉक्साइड, यानी ये सारी चीजें होती हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। नेक्स्ट अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, वैक्सीन आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अगर कंपोनेंट के बेसिस बात करें कि कितने कितने कंपोनेंट्स वैक्सीन में है, तो उसके बेसिस पे दो टाइप में बांटा गया है, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट वैक्सीन। ये क्या होता है, अ मोनोवेलेंट वैक्सीन कंटेन्स अ सिंगल स्ट्रेन ऑफ डिजीज कॉजिंग स्पेसिफिक एंटीजन, एग्जाम्पल मिजल्स वैक्सीन, वाइल पॉलीवेलेंट वैक्सीन कंटेंट टू आर मोर स्ट्रेन सीरोटाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग स्पेसिफिक एंटीजन, एग्जाम्पल ओबीवी। तो मोनोवेलेंट वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जिसमें केवल एक स्ट्रेन का है, यानी कि सिंगल स्ट्रेन, यानी कि सिंगल डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है वैक्सीन में, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है मिजल्स वैक्सीन। वाइल पॉलीवेलेंट वैक्सीन होता है उसमें उसके डबल स्ट्रेन, यानी कितना हो भी स्ट्रेन हो, वो कितना उस बैक्टीरिया का कितना हो भी स्ट्रेन हो, उसको अगर कंटेन कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पॉलीवेलेंट वैक्सीन बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल है ओपीवी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया उसका स्ट्रेन है, मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया उसका स्ट्रेन है ए, और मान लीजिए एक कोई बैक्टीरिया है बी जिसका स्ट्रेन है ए बी सी और डी, यानी कि चार स्ट्रेन है। तो अगर एक अगर सबसे पहले ए, यानी कि हमने ए बनाया है, ए वैक्सीन है उसका स्ट्रेन ए है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट बोलेंगे। और जो दूसरा बैक्टीरिया है जिसका स्ट्रेन ए बी सी डी है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीवेलेंट वैक्सीन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्बिनेशन वैक्सीन, इन कॉम्बिनेशन वैक्सीन मेनी एंटीजन आर कंबाइंड इन सिंगल इंजेक्शन दैट कैन प्रिवेंट द डिफरेंट डिजीज आर दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मल्टीपल स्ट्रेन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट कॉजिंग द सेम डिजीज, एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन वैक्सीन डीपीटी, ठीक है। समझाते हैं इसको, समझिएगा कॉम्बिनेशन वैक्सीन में क्या होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको इनएक्टिवेट करके एक वैक्सीन बना दिया जाता है, ठीक है, उनको इनएक्टिवेट करके एक वैक्सीन बना दिया जाता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन वैक्सीन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई डिजीज ए और कोई डिजीज बी और कोई डिजीज सी, ये तीनों डिजीज कॉज कर रही हैं, और इन तीनों को मिला के एक अगर वैक्सीन बना दिया जाए, अगर एक वैक्सीन बना जाए उसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन वैक्सीन बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल है डीपीडी, यानी कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस एंटीजन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा बनता है वैक्सीन उसे क्या, वो डीपीटी वैक्सीन बनता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नॉट कॉज एनी एलर्जिक रिएक्शन, इजिली एडमिनिस्ट्रेबल विदाउट एनी हार्म, ईजी टू स्टोर, नॉट सो एनी इनकॉम्पेटेबिलिटी विथ स्टोरेज मटेरियल, यानी कि जो भी हमने कोई भी वैक्सीन बनाई है तो वो इनकम्पेटिबल ना हो, सबसे पहली बात इनकम्पेटिबल ना हो किसी के साथ, जैसे मान लीजिए कि हम वैक्सीन को स्टोर कर रहे हैं कहीं भी, मान लीजिए स्टोर कर रहे हैं तो किसी भी मटेरियल के साथ इनकम्पेटिबल ना हो, रिएक्शन ना कॉज करें, अगर रिएक्शन मान लीजिए रिएक्शन कॉज कर जाएगी तो हमारा वैक्सीन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इजी अवेलेबल इन लो इकोनॉमिक वैल्यू, और इजीली इकोनॉमिक यानी कि लो इकोनॉमिक वैल्यू पे क्या हो, अवेलेबल हो जाए, ठीक है। नॉट कॉज एनी डिजीज कंडीशन एंड रैपिड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इफेक्ट, और कोई भी डिजीज कॉज ना करे और रैपिड एंटीबॉडीज इफेक्ट प्रोवाइड कराए, यानी कि एंटीबॉडी जो इफेक्ट, यानी वैक्सीन हम क्यों ले रहे हैं, एंटीबॉडीज बनाने के लिए, अगर वो रैपिडली काम करेगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बेटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इम्यूनिटी क्या होती है, सबसे पहले समझेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरस फंगस एंड अदर फॉरेन एजेंट। तो इम्यूनिटी क्या होती है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस या फंगस या कोई भी फॉरेन मटेरियल के द्वारा हमारी बॉडी में अगर इन्फेक्शन फैल रहा है, उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है।
आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज क्या होती है? इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी और एक होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। ये किसी अदर डिजीज के, यानी कि बहुत सारी डिजीज में क्या कर सकता है, ये हमारी सुरक्षा कर सकता है। इसलिए ए टाइम, यानी कि ये बर्थ के समय क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, सॉरी एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये टाइम यानी बर्थ के समय में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इतना बड़ा लेक्चर होने के कारण ना कभी कभी दिमाग हैंग हो रहा है, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, ये क्या करती है, टाइम यानी कि जब बर्थ होता है उसी समय हमें क्या मिली होती है, कौन सी, इननेट इम्यूनिटी। दिस इज इनकम्पाइज बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंस टाइप ऑफ द बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन आवर बॉडी। इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ द बैरियर दीज आर। तो ये क्या करती है, डिफेंस प्रोवाइड कराती है, यानी एक तरफ से क्या करती है, बैरियर का काम करती है। बैरियर काम कैसे करती है, कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो, ये ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, ये फोर टाइप्स की होती है, फोर टाइप के बैरियर प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले हम जानेंगे फोर टाइप के बैरियर। सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी पे जो स्किन प्रेजेंट है वो एक इननेट इम्यूनिटी की तरह काम करती है, यानी कि यह एक तरह के बैरियर का काम करती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को होने से बचाता है। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ आल्सो प्रोवाइड द बैरियर आल्सो प्रिवेंट द माइक्रोब्स एंटरिंग इन आवर बॉडी। इट प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे, इसके अलावा म्यूकस, जो म्यूकस कोटिंग होती है, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, उस पर क्या होती है, म्यूकस की लेयर चढ़ी होती है। उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। अब म्यूकस की लेयर होने के कारण वो भी एक तरह से क्या करती है, बैरियर का काम करती है, ठीक है। बैरियर का काम कैसे करेगी, जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस की लेयर होती है, वो क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। और वो म्यूकस क्या करता है, किसी भी पार्टिकल को, जैसे मान लीजिए वायरस आया बैक्टीरिया आया, फंगल आया, उसको क्या करता है, अपने अंदर रोक लेता है और वो बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये भी एक तरह से एक बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर, ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सिक्रेटिंग सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी क्रिएट द बैरियर दैट एसिड इन स्टमक सलाइवा इन माउथ टीयर फ्रॉम द आई आर प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब कुछ केमिकल्स जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं वो हमें एक बैरियर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एग्जांपल इसका, एसिड इन स्टमक, हमारी बॉडी में एसिड सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, एक तरह से बैरियर का काम करता है, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर। सलाइवा, जो सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा में आप लोगों को पता होगा बहुत सारे एंजाइम्स और एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं अगेंस्ट द डिजीज। नेक्स्ट टीयर फॉर आईज आल प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। टीयर, जो आंखों से आंसू आते हैं वो भी क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को हेल्प करते हैं। आप लोग सलाइवा कोई एग्जांपल बता सकते हैं कि वो कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? चलिए सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कभी डॉग वगैरह होते हैं, डॉग वगैरह की कहीं इन्फेक्शन होता है, पैर वगैरह पे कहीं इन्फेक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं, अब वो डॉग है वो दवा तो लगाएगा नहीं अपनी अपने पैरों पे, ठीक है। अब क्या करता है, वो अपने सलाइवा के द्वारा उसको क्या करता है, लीक करता है अपने बॉडी पार्ट को लीक करता है। अब बॉडी पार्ट को जैसे लीक करता है तो उसमें कितनी एंटीबॉडीज होती हैं, उतने एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में कि उसको क्या कर सकते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को या इन्फेक्शन को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है, जिससे उसको क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। तो एनिमल्स तो भाई सही बात है, और लगाएंगे नहीं, दवा तो लगाएंगे नहीं अपने पैरों पे, तो वो उनकी वही दवा होती है, सलाइवा ही उनकी दवा होती है। समझिए, सीधा समझिए कि सलाइवा ही एनिमल्स के लिए उनकी दवा होती है किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा ना कि डॉग्स होते हैं ज़्यादातर कब मरते हैं, यानी कि कब डेथ होती है उनकी, जब गर्दन पे कुछ हो जाता है, ठीक है। आप लोग नोटिस करेंगे कि कभी डॉग कब मरता है, जब उसके गर्दन पे कुछ हो जाता है, गर्दन पे वहाँ पर उसकी जीभ पहुँच नहीं पाती है, अगर जीभ वहाँ तक उसकी पहुँच जाए तो वो उसे मरे ही ना, ठीक है,
उस डिजीज से यानी इन्फेक्शन से तो मरे नहीं, अदर डिजीज से मर जाए उसकी बात अलग है, लेकिन इन्फेक्शन से तो कत्ते ना मरे हो, क्योंकि उसकी जो उसका जो अगर टंग वहां तक पहुंच जाए तो वो एक तरह से इम्यूनिटी का काम करेगा, उसको सलाइवा जो होगा इम्यूनिटी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेलुलर बैरियर। सर्टन टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट यानी कि WBCF आवर बॉडी लाइक द पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज कैन फैगोसाइट्स एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। हमारी बॉडीज के अंतर्गत हमारी WBC होती है यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि हमारी बॉडीज को क्या बनाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। अब WBCs के अंतर्गत क्या आती है, PMNL न्यूट्रोफिल्स आती है जिसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड मोनोसाइट्स भी आती है, और नेचुरल किलर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ये एक तरह लिम्फोसाइट है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, और मैक्रोफेजेस भी आती है। मैक्रोफेजेस भी हमारी बॉडीज में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सॉरी माइक्रोफेजेस जो होता है ब्लड में नहीं टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या करता है वो इन्फेक्शन काउजिंग एजेंट को क्या कर सकता है, फैगोसाइट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है उनको, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेलुलर बैरियर बोलते हैं। साइटोकाइन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट द प्रोटीन कॉल्ड द इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी कि साइटोकाइनिन बैरियर ये हमारी बॉडी के अंतर्गत कैसे होता है इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वायरस पे कोई इन्फेक्शन हुआ, अब वो वायरस क्या करेगा, सॉरी वो जो सेल होगी, मान लीजिए कोई सेल थी उस पर किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, अब जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो वो जो सेल है वो एक केमिकल रिलीज करेगी जिसे बोलेंगे हम इंटरफेरॉन। अब वो इंटरफेरॉन सिग्नल लेके जाएगा दूसरी सेल के पास, यानी कि वो बताएगा उसको कि हमारा इन्फेक्शन हो चुका है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप की सुरक्षा को बढ़ा दीजिए कि आपको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब वो सेल होगी अपनी सुरक्षा को बढ़ा देगी और उससे वायरल का इन्फेक्शन नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, साइटोकाइन बैरियर बोलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो पार्ट में पढ़ना था हमें, एक इननेट इम्यूनिटी और एक था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट है, इट इज द पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, यानी कि ये पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, इसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस मीन्स डेट आवर बॉडी इज एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स इन और लो इंटेंसिटी सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिट एज हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एंड इम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स। बात वही है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई वैक्सीन ली तो हमारे अंदर क्या होगा, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगी पहले इम्यूनिटी के दौरान, उसके बाद फिर वो इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर वो इम्यूनिटी प्रदान कराएगी और उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा लो होगा, क्योंकि पहले इन्फेक्शन हुआ तो जो हमारा इम्यून सिस्टम हुआ धीरे धीरे वर्क करेगा, अब हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है, अगर दूसरी बार अगर कोई भी आया, कोई भी आतंकी अगर हमारी बॉडी पे हमला करेगा तो हमारी बॉडी तुरंत फायरिंग करना स्टार्ट कर देगी और फायरिंग होते ही वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो हमारी आर्मी है जो फायरिंग कर रही है वो कौन है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है हमारे अंदर। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन इज रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन ब्लड और फाइट देम। तो जो बी लिम्फोसाइट है एक्चुअल यानी एक्चुअल फायरिंग कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करती है और किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दीज प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज, और उसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट, द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस देम, ठीक है। अब टी सेल आ गई, अब टी सेल क्या करती है, एक तरह से हेल्पर का काम करती है। अब वो क्या करती है ना कि बी सेल जैसे फायरिंग कर रही है, जैसे जैसे उसकी बुलेट खत्म होती जाती है तो टी सेल क्या करती है, बुलेट देती है, ले भाई बुलेट ले तो उसको शूट कर। तो ऐसा वर्क होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत, ठीक है। तो सेम हमारी बॉडी के अंतर्गत ऐसे एक वर्क होता है, बी सेल और टी सेल होती है। तो बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कि लड़ते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और टी सेल जो होती है प्रमोट करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ठीक है, प्रमोट करती है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ये हमारे अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, IgA, IgM, IgE, IgD और IgG।
यानी कि ये कुछ एंटीबॉडीज हैं जो हमारी बॉडी के अंतर्गत सिक्रीट होती हैं, IgA, IgM, IgE, IgD और IgG, इसमें से कुछ एंटीबॉडीज हैं। अभी आप लोगों को बताया था जो हमारा कोलेस्ट्रम मिल्क होता है उसमें भी एंटीबॉडीज पाई जाती है, और उसमें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है? IgA। कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के लिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। MCQ के यानी कोलेस्ट्रम मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? IgA। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। टू टाइप्स ऑफ आवर रिक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो जो हमारा एक्वायर्ड यानी कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि जो भी हमने एक्वायर्ड किया इम्यूनिटी को, वो कैसे रिस्पॉन्स देती है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। दीज एंटीबॉडीज आर द फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स आल्सो कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि ये एंटीबॉडी रिलेटेड है, जैसे बी सेल एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही है उसे क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड CMI वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर सेल की इम्यूनिटी होती है, यानी कि सेल पे कुछ क्या होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब भी कोई इन्फेक्शन उस रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होता है तो तुरंत हमारी सेल क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है, और वो इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है, पूरा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने लगती है हमें, उसे क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। हमारी बॉडीज जो होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने में बहुत अच्छी होती है भाई, पहचान लेती है सेल्फ कौन है और नॉन सेल्फ कौन है, तो वो पहचान लेती है। जैसे कि मान लीजिए किडनी, जैसे किडनी का आपको ग्राफ्ट करना है, यानी कि किसी किडनी लेनी है, अब ऐसे नहीं लेनी है, चुरा थोड़ी लेनी है, जैसे आपका लिए ग्राफ्ट करा रहे हैं, मान लीजिए आप ग्राफ्ट करा रहे हैं, तो किसी पर्सन की मान लीजिए किडनी खराब हो चुकी है, अगर आप उसको किसी दूसरे रिसिपिएंट की किडनी उसको उसके अंदर क्या करा जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। अगर रिप्लेस किया जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें रिप्लेस हुआ है वो किडनी वहां पे प्रॉपर वर्क करे, क्योंकि वहां पे कार्य करने के लिए उसको मैच करना होगा, यानी कि जो ह्यूमन है उसकी बॉडी से क्या इनकम उसके साथ कंपेटेबल होना पड़ेगा, तब जाके वो बराबर काम कर रहा है। चलिए, नहीं समझ में आया आप लोगों को, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लड, ब्लड ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। जैसे मान लीजिए कोई कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप का है, अब कोई पर्सन बी ब्लड ग्रुप का है, अगर ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप दे तो क्या उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। यही सेम चीज होती है किडनी किडनी के दौरान, अगर मान लीजिए हम किडनी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किडनी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो किडनी वर्क करे, उसको मैच कराना पड़ेगा, बॉडी के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तब जाके वो वर्क करेगी, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी चीज बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर वो चीजें रिजेक्ट हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलेंगे, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलेंगे उसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी तो कितनी टाइप में बांटा गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, सबसे पहला है एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन्स व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स आर अदर प्रोटीन, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीजन या तो माइक्रोब्स हो या उसका प्रोटीन पार्ट हो या उसको या तो लिविंग में हो या डेड हो, अगर वो हमारी बॉडीज के अंदर गया और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है तो उस इम्यूनिटी को बोलेंगे हम एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलीबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एसिड इन टू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी माइक्रोब्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंतर्गत इम्यूनिटी उत्पन्न होने लगती है या इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट आती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वेयर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवेन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये होता है
कि जब हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज दें किसी पर्सन को, अगर डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही दें उसे क्या बोलेंगे हम, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। और उसका एग्जाम्पल है ड्यूरिंग द इंसेक्ट बाइट कोलेस्ट्रम मिल्क ICA, यानी कि जब भी कोई इंसेक्ट बाइट करता है जैसे सर्प सर्प काटता है तो उसकी हम डायरेक्ट इम्यूनिटीज देते हैं। और जैसे कोलेस्ट्रम होता है, मिल्क होता है, यानी कि उसमें क्या ICA इम्यूनिटी पाई जाती है जो कि क्या होती है डायरेक्टली हमें मिलती है, डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही मिलती है, हमारी बॉडी द्वारा वो बनाना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आगे अगर बात करें हम वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम इन वैक्सीनेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन आर इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे मेमोरी पे डेवलप करता है, यानी मेमोरी पे डिपेंड करता है। इसके दौरान क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में वही एंटीजन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और हमारी बॉडीज क्या करती है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, और जब हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट अगर बात करें द एंटीबॉडीज प्रोड्यूसेस इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। और ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, जब हमारी बॉडीज में एंटीबॉडी सिक्रीट होगी तो वो एंटीजन का जो इफेक्ट है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मान लीजिए कि एसिड अगर आप मानते हैं, एसिड अगर आप बैक्टीरिया या वायरस या एंटीजन को मानते हैं, तो जो हमारी बॉडी एंटीबॉडी होगी वो एक तरह से बेस का काम करेगी और दोनों न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे। ये एक तरह से हमने एग्जांपल लिया है, ये एसिड बेस नहीं है कोई, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कोई एंटीजन है तो वो एसिड होगा और हमारी एंटीबॉडी है तो वो क्या होगी, बेस होगी। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, हमने बस आपको एग्जांपल लिया था इस समझाने के लिए। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें, द वैक्सीन आल्सो जनरेट द मेमोरी बी टी सेल रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेन इन्वेडर विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। वही बी सेल और टी सेल जो होती है मेमोरी डेवलप करती है, अगर बाद में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारा क्या रैपिड रिस्पॉन्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे इम्यून सिस्टम काम करता है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं हम। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू सेल एंड द सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज। हमारी बॉडीज क्या करती है, एंटीबॉडीज रखती है, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्गन विच ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स अकर। द प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन आर द बोन मैरो एंड थाइमस वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन या ग्रो होता है, ग्रो कराया जाता है या मैच्योरेशन होता है। और हमारी बॉडी में दो ही जगह है जहाँ पे इम्यूनिटी यानी कि लिम्फोइड ऑर्गन, दो हमारे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, एक होता है बोन मैरो और एक होता है थाइमस, जो कि इमेच्योर लिम्फोसाइट को क्या करता है, मैच्योर बनाता है या प्रोडक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन लिम्फ नोड टॉन्सिल पेयर्स ऑफ पैसेज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिसेस। यानी कि बाद में जब मेच्योरिटी आ जाती है उस लिम्फोसाइट में, जो भी लिम्फोसाइट बोन मैरो या थाइमस बनी उसके बाद मेच्योरिटी आने के बाद वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, उसे क्या बोलते हैं, कहाँ पे जाती है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और वो कौन कौन सा एग्जांपल है, तो याद रखिएगा स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो भी एग्जांपल मैंने बताया स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर्स ऑफ पैसेज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अदर एंटीजन विच हैपन्स टू गेट इन टू द लिम्फ एंड टिश्यूज फ्लूड। एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर आर कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स भी होता है हमारी बॉडी में, लिम्फ नोड्स कई कई जगह पे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर उनके द्वारा क्या इम्यूनिटी तैयार की जाती है, इम्यूनिटी तैयार करके उनको क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, लिम्फ नोड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें देयर इज लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट। यानी कि लिम्फोइड जो टिश्यूज हैं वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू MALT माल्ट। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। और ये कितने परसेंट कंटेन करता है हमारी बॉडी लिम्फोइड टिश्यू का, 50%। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है,
रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, यहाँ यहाँ जगहों पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें पॉल्यूशन क्या होते हैं। पॉल्यूशन आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल में अगर आप इन्वायरमेंटल का अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा कि इन्वायरमेंटल में जनरली पॉल्यूशन तो हमेशा पूछता है, पॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हमेशा पूछता है। उसमें से वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो इसके इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या डिस्कशन करेंगे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, इसके अलावा सॉयल पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। वो जब इन्वायरमेंटल का लेक्चर स्टार्ट होगा तो उसमें आपको ये चीज़ें बता दी जाएगी। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है, यानी कि और पीछे आप लोगों ने फैमिली प्लानिंग पढ़ा, उसका यूज कहाँ पे होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज होगा। तो ये क्या है, कॉमन चैप्टर समझ लीजिए एक तरह से, हर जगह इसका यूज होना है। इसलिए आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, लेक्चर है इतना तो आप लोग को देखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो बोर होने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इससे क्या होगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और नए नए कंसेप्ट आपको मिलेंगे देखने के लिए। और ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये समझ लीजिए कॉमन कॉमन है, ये हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हर टॉपिक में इसका रिलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एनी इन्वायरमेंटल नेचुरल डिस्टर्बेंस क्रिएट बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल में कोई भी डिस्टर्बेंस आए, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंजेज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। यानी कि पॉल्यूशन क्या होता है, एक अनडिजायरेबल चेंज होता है बाई किसी प्रोसेस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, किसमें, एयर में, लैंड में, वाटर और सॉइल में, ये जितने भी हैं उसे क्या बोलते हैं, हम पॉल्यूशन बोलते हैं। एजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट सच एज एन अनडिजायरेबल चेंजेस आर कॉल्ड द पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जो भी ये पॉल्यूशन कॉज करने वाले एजेंट है उसे क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंटल एयर, वाटर एंड सॉइल। यानी कि गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन को रोकने के लिए 1986 में क्वालिटी को, यानी कि इम्प्रूव, हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि पॉल्यूशन जो हो रहा है उसकी क्वालिटी को, यानी कि उसको पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लगाया था, एयर के लिए, वाटर के लिए और सॉइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टाइप ऑफ पॉल्यूशन, कितने टाइप पॉल्यूशन है, तो वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये हो गए टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, एनी अनडिजायरेबल चेंजेज इन वाटर प्रॉपर्टीज बाई फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। यानी कि वाटर में कोई भी फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली चेंजेज आ गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर पॉल्यूशन। ह्यूमन बींग हैज बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडी अराउंड द वर्ल्ड बाई डिस्पोजिंग इन देम ऑल काइंड्स ऑफ द वेस्टेज। और इसका जो ह्यूमन है, यानी जो ह्यूमन बॉडी है, वो सबसे ज्यादा वाटर को पॉल्यूट करता है, क्योंकि जो भी वेस्टेज होता है वो पानी में फेंक दिया जाता है। अगर आप वेस्ट को पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन काइंड द पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर, एस्चुरीज एंड ओशियन आर बिकमिंग पॉल्यूटेड इन सीवियर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं जिसके द्वारा क्या होता है, वाटर क्या होता है, पॉल्यूटेंट होता है। रिलीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द क्लीनेस ऑफ द वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। यानी किसी पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एक्ट लगाया था, जो कि 1974 ईस्वी में लागू हुआ था वाटर को बचाने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रेजेंस ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर आल्सो कॉज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक्स, फ्री प्लैंक्टोनिक्स एल्गी कॉल्ड द एल्गल ब्लूम व्हिच इंपार्ट्स द डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर बॉडीज। यानी कि लार्ज अमाउंट में अगर न्यूट्रिशनल होता है तो भी उसमें क्या होगी, एल्गी ग्रोथ कर जाएगी। अगर एल्गी ग्रोथ कर जाएगी, यानी कि हमारा वाटर क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया। इसका मतलब कि उसमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्मेल्स आएगी, कलर भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। एल्गल ब्लूम्स कॉज द डिटेरियरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी, सम ब्लूम्स फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल।
अब एल्गल ब्लूम बन गया तो उसे क्या होगी, मछलियों बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, मछलियां भी मर जाएंगी, और कभी कभी तो इतने टॉक्सिक होते हैं कि ह्यूमन भी मर जाते हैं इसी के कारण। ठीक है, तो ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन में अगर हम स्टडी करें तो हाउस होल्ड वेस्टेड आर वन ऑफ द सोर्स विच कंटेमिनेट पॉल्यूट द वाटर वेस्ट कंटेंट लाइक द वेजिटेबल पील्स रोटन मटेरियल एंड द अदर फूड वेस्टेज। यानी जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट निकल रहा है अगर, यानी कि हाउस होल्ड वेस्टेज निकल रहा है अगर उसे आप वाटर में डायरेक्ट रिलीज कर देंगे तो वो क्या करेगा, वाटर पॉल्यूशन की तरह काम करेगा। जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, कोई सड़ा कोई मटेरियल हो गया और फूड वेस्टेज हो गया, अगर आप पानी में डालेंगे तो वो एक तरह से पॉल्यूशन का कारण बनेगा। इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन ड्रेनेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन टू द रिवर आर वाटर इन वाटर सोर्सेज। यानी कि इंडस्ट्री भी क्या हो गया, वाटर पॉल्यूशन का एक कारण हो गया। अगर मान लीजिए जो भी उसका ड्रेनेज निकल रहा है, जो भी कचरा निकल रहा है, अगर आप डायरेक्ट उसको पानी में रिलीज करेंगे या उसको किसी वाटर रिसोर्सेज में रिलीज कराएंगे तो क्या करेगा, एक तरह से पॉल्यूशन का काम करेगा। नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइडर आल्सो पॉल्यूट द वाटर। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं अगर वाटर में छिड़काव कर दें तो क्या तरह किस तरह से काम करेगा, वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगा। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज इन आल्सो कंटामिनेटिंग द वाटर। कहीं कहीं पे क्या होता है, एक्सीडेंटली ऑयल की लीकेजिंग हो जाती है। अब वो ऑयल की लीकेजिंग अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी तो एक तरह से ये पॉल्यूटिंग का तरह काम करेगी, वाटर पॉल्यूशन का काम करेगी। एसिडिक रेन इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स विच कॉज द वाटर पॉल्यूशन। एसिडिक रेन होता है वो भी एक तरह से पॉल्यूशन कॉज करता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक क्लोथ क्लीनिंग, एनिमल बाथ इन रिवर एंड वाटर सोर्सेज आर आल्सो कॉज द पॉल्यूशन। कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है जैसे कि कपड़े धोना, यानी कि जैसे कभी कभी क्या होता है घर नदी में कपड़े धोया जाता है, बहुत ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एनिमल यानी कि कोई एनिमल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, पानी में नहलाया जाता है और नदियों में नहर में नहलाया जाता है, उससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। हाई अमाउंट ऑफ यूज ऑफ द डिटर्जेंट एंड सोप आर आल्सो कंटेमिनेट द वाटर। अगर हाई अमाउंट में आप डिटर्जेंट और सोप भी यूज करते हैं तो उससे भी वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ये हो गए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर बात करें इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर बॉर्न डिजीजेज। पोल्यूटेड वाटर कॉज द मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस द मेनी डिजीज लाइक द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायरिया कॉलेरा डिसेंट्री। अगर आप वाटर पॉल्यूशन एंड पोल्यूटेड वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी डिजीज आपके अंदर हो जाएगी, जैसे गैस्ट्रोइंटेराइटिस, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो आपका गैस्ट्रिक सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, डायरिया हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगी। पॉल्यूटेड वाटर आल्सो अफेक्ट द ब्रेन एक्टिविटी एंड कैन कॉज ब्रेन रिलेटेड सीवियर प्रॉब्लम। और जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो क्या करता है, ब्रेन एक्टिविटी को लो कर देता है और ब्रेन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को क्या कर देता है, बॉर्न कर देता है। मेन ई इन्फेक्शन डिजीज एजेंट ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर थ्रू द फ्लोइंग ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर लाइक टाइफॉइड, जीआरडीएसिस, अमीबोसिस, एस्केरिसिस एंड हुकबॉर्न। बहुत सारी डिजीज हैं जो कि वाटर के द्वारा फैलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती हैं, जैसे एग्जाम्पल टाइफॉइड, जीआरडीएसिस, अमीबोसिस, एस्केरिसिस एंड हुकबॉर्न। पॉल्यूटेड वाटर इफेक्ट द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आल्सो इंड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी। यानी कि जब भी पॉल्यूशन अगर पॉल्यूटेड वाटर अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर पॉल्यूटेड वाटर यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी इन्फेंट होगा उसके लिए बहुत ज्यादा ही नुकसान करेगा। मदर को तो नुकसान करेगा ही, उसके अलावा क्या होगा, इन्फेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज द इम्पोटेंसी इन द बोथ मेल एंड फीमेल। और पॉल्यूटेड वाटर इम्पोटेंसी भी कॉज कर जाता है मेल और फीमेल में, इसलिए कभी भी स्वच्छ पानी पीने की कोशिश किया कीजिए, गंदा पानी पीने की कोशिश मत किया कीजिए, नहीं तो इम्पोटेंसी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द पॉल्यूशन बीओडी आर इंक्रीज, सो द ऑक्सीजन कंटेंट आर लो इन द वाटर सोर्सेज एंड एनिमल फेस मेनी प्रॉब्लम। अगर वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो वहां पे बीओडी बढ़ जाएगी। बीओडी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड वहां पे बढ़ जाएगी। अगर वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई और तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो वो क्या, बैक्टीरिया यूज कर जाएंगे ऑक्सीजन वगैरह, तो जो उसमें भी एनिमल्स रहने वाले हैं उसको नुकसान होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू द पॉल्यूशन वाटर हार्म द मेनी ऑर्गन्स एंड कॉज द सीरियस प्रॉब्लम, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ईटीसी। और पॉल्यूशन वाटर, पॉल्यूटेड वाटर पीने से क्या होगा, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, ये सारे डिजीजें हैं वो क्या होने लगेगी, बॉर्न होने लगेगी। ठीक है, इट कॉजेज द यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ द लैक बाय द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स सच एज द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म।
यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई मान लीजिए कोई पॉन्ड है, एक पॉन्ड है उसके अंदर क्या है न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ है, अगर उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स होगा तो यूट्रोफिकेशन होगा। यूट्रिफिकेशन में बेसिकली क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। अब वो जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे तो वहां पे वो क्या करेंगे, वहां पे न्यूट्रिएंट को डिकेइंग करेंगे यानी कि उसको सड़ाएंगे, जैसे जैसे सड़ाएंगे वो क्या करेगा नीचे बैठता जाएगा, यानी कि पॉन्ड के नीचे बैठता जाएगा, धीरे 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 वो पॉन्ड क्या होगा वो भर जाएगा, यानी कि पॉन्ड क्या हो जाएगा भर जाएगा, मिट्टी से भर जाएगा, उसे क्या बोलते हैं यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किसी भी केमिकल्स का या किसी भी ड्रग्स का जाना क्या कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। दिस हैपन बिकॉज द टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेट बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड पास टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। इसका एग्जाम्पल बेसिकली एक छोटी मछली है, मान लीजिए एक छोटी मछली है, उसने कोई चारा खाया, अब वो चारा उसके अंतर्गत इजिली डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसकी बॉडी में स्टोर हो गया, अब उसको कोई बड़ी मछली आई और उसको खा गई, अब अगर वो बड़ी मछली खा गई तो उसको तो जो भी वो चारा था वो बड़ी मछली के अंदर चला गया और बड़ी मछली के अंदर चला गया वो भी इजिली डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो यानी कि छोटी मछली से बड़ी मछली में गया उसे क्या बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन बोलेंगे। और इसका सबसे सबसे दस फिनोमेना वेल नोन इज मर्करी एंड डीटी, और इसका एग्जांपल है मर्करी एंड डीडीटी। ये इजली डाइजेस्ट नहीं होता है और इजली मेटाबोलाइज नहीं होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है स्टोर हो जाता है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता रहता है, जिससे क्या बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट इन दिस मेथड आर यूज टू द क्लीनिंग द वेस्ट वाटर प्रोसेस लाइक द स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन एंड स्कीमिंग आर यूज टू द रिमूव द सॉलिड, नो केमिकल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। फिजिकली मेथड में हम क्या कर सकते हैं वाटर को क्या कर सकते हैं वाटर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, वाटर को देख सकते हैं, देखेंगे उसमें से अगर कोई छानने लायक वो चीजें हैं तो उसको छान के बाहर कर दिया जाएगा या सेडिमेंटेशन करा देंगे, जैसे कि जो भी कोई मान लीजिए हैवी मटेरियल जैसे बालू वगैरह हो गया या कोई भी मान लीजिए आयरन वगैरह की इंप्योरिटीज, उसको क्या करेंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और हम फ्रेश वाटर निकाल लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे फिजिकल ट्रीटमेंट बोलेंगे। द मेन टेक्निक ऑफ द फिजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द सेडिमेंटेशन विच प्रोसेस द सस्पेंडिंग द हैवी पार्टिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर। मान लीजिए कोई वेस्ट वाटर से जो भी हैवी पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, ऊपर से हम क्या करेंगे फ्रेश वाटर प्राप्त कर लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। The use of the chemical in the water, chlorine or oxidizing chemical is commonly used to kill bacteria which decomposes the water by adding the contaminant to it, another oxidizing agent used for the purifying the wastewater in ozone. ठीक है, तो जैसे क्या मान लीजिए कि केमिकली ट्रीटमेंट किया जाता है, मान लीजिए कोई आपके पास डर्टी वाटर आया उसमें आप क्लोरीन या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देंगे तो वो क्या करेगा रिएक्शन कर जाएंगे दोनों, यानी कि केमिकल जो भी वेस्टेज केमिकल होंगे वाटर में और जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिएक्शन करके वो क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, जिससे हमें फ्रेश वाटर क्या होगा मिल जाएगा। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है ओजोन। ओजोन क्या होता है ओजोन गैस या O3 जो होती है वो क्या एक तरह से किसका तरह काम कर सकता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दिस इज यूज वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर सच सोप ह्यूमन वेस्ट इज ऑयल एंड द फूड इट इज यूज का डिवाइड इन द 3 कैटेगरी। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए वेस्ट वाटर है उसमें मान लीजिए बहुत सारे इम्प्योरिटीज, जैसे कि मान लीजिए सॉप की इम्प्योरिटीज है, उसके बाद वेस्ट ऑयल है, सारी चीजें की इम्प्योरिटीज है, तो उसको क्या कर सकता है रिमूव किया जा सकता है। कैसे 3 प्रोसेस है एरोबिक प्रोसेस। बैक्टीरिया डिकम्पोजेस द ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इंटू कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन बी यूज बाई प्लांट, ऑक्सीजन इज यूज इन दिस प्रोसेस। एरोबिक मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा बैक्टीरिया क्या करेंगे जो भी हमारा वेस्टेज मटेरियल होगा उसको क्या करेंगे सड़ाने का काम करेंगे। ठीक है, एरोबिक का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर वर्क कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे एरोबिक बोलेंगे। अब कोई बैक्टीरिया है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में वेस्टेज मटेरियल को सड़ाने गड़ाने का काम करेगा उसे क्या बोलेंगे हम एरोबिक प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एन एरोबिक प्रोसेस। हियर फर्मेंटेशन इज यूज टू द फर्मेंटिंग द वेस्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन इज नॉट यूज इन द एनरोबिक प्रोसेस।
इसमें भी क्या होगा, वही बैक्टीरिया और वायरस होंगे जो उसको सड़ाने का काम करेंगे, लेकिन इस बार वो विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ही क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे अपना फंक्शन। कंपोजिटिंग क्या होता है? अ टाइप ऑफ एरोबिक प्रोसेस विच द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड बाय द मिक्सिंग इट विद द सॉडस्ट एंड अदर कार्बन सोर्सेज। इसमें क्या होता है, इसमें भी एरोबिक एक कंडीशन होती है, जो कंपोस्ट होता है वो एरोबिक कंडीशन होती है। इसमें वेस्ट वाटर के साथ अदर कार्बन सोर्सेज को मिला दिए जाते हैं, जिससे वो एक तरह से क्या कंपोस्टिंग यानी फर्टिलाइजर का भी काम करने लगती है। सड़ने गलने के बाद क्या फर्टिलाइजर का भी तरह काम करने लगती है। अब आता है स्लज ट्रीटमेंट। दिस इज द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस वेयर द लीस्ट पॉसिबल रेजिडुअल मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड इन द सॉलिड फेज एंड लोवेस्ट पॉसिबल एंड सॉलिड पार्टिकल रेजिडुअल ड्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन द सेपरेशन लिक्विड फेजेज। ठीक है, इसे बोलते हैं स्लज ट्रीटमेंट। स्लज ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल को अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट वाटर लिया, सॉलिड पार्टिकल है उसको अलग कर लिया, और जो भी हमें मिला, जो भी हमें पॉसिबल, जो भी हमें फिल्ट्रेट मिला, उसको फिर से दोबारा उसको यूज करते हैं। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आने वाली है, तो आगे इसके बारे में आपको डिटेल अभी बताते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द पोटेबल वाटर। जो भी वाटर होता है ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर, उसे पोटेबल वाटर बोलते हैं। ड्यू टू यूज ऑफ द क्लीन एंड सेफ वाटर वी ऑलवेज बी सेफ फॉर डिजीज। यानी कि अगर साफ और स्वच्छ पानी यूज करेंगे डिजीज से दूर रहेंगे, आपकी रेगुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सही रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे। वी ऑलवेज टू फॉर्म द इन्फेक्शियस डिजीज एंड वाटर बॉर्न डिजीज, और ऑलवेज आप दूर रहेंगे, आप इन्फेक्शियस डिजीज से हमेशा दूर रहेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आप अपने मन से खुद लिख सकते हैं इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट में आप इजीली लिख सकते हैं क्या क्या लिखना है, इसको आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। स्वच्छ पानी पियेंगे तो क्या होगा, बेंडी बीमारियों से बचेंगे, कुछ बीमारियों के नाम लिख सकते हैं, हमारे ऑर्गन स्वस्थ होंगे, ऑर्गन्स का नाम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी लिखने का तरीका, इस तरह से आप उसको इजिली लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन द फ्यू मिनट्स ऑफ द अबाउट एयर सॉरी एयर। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत लंबे समय तक पानी के बिना जी सकते हैं, लेकिन एयर बिना नहीं जी सकते हैं, यही कहने का मतलब। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज। ये सिंपल फैक्ट यही है कि हमारे इम्पोर्टेंट एयर की इंपॉर्टेंस को ये बताता है कितना इंपॉर्टेंट होता है एयर हमारी लाइफ के लिए। वेन एयर इज कॉन्टेमिनेटेड बाई द अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज विच हैव टू हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज द रेफर टू एज द एयर पॉल्यूशन। जब एयर में कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेस होता है या कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस आ जाता है और उसको क्या कर देता है, उसको हार्मफुल इफेक्ट डालता है, उस पर क्या हार्मफुल इफेक्ट डालता है उसे क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। हो सकता है वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो दोनों तरीके से हो सकता है। एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज बाई वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ द मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन एंड 28% 21% ऑफ द ऑक्सीजन। हमें एयर में 78% तक नाइट्रोजन होती है, 21% तक ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मिथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CBCB। पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर आर लेस डायमीटर टू पिकोमीटर 2.5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ। यानी कि CPCB के द्वारा जब पार्टिकल की साइज 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगी या 2.5 पिकोमीटर से उसका जो डायमीटर है वो उससे कम होगा, तब तो वो क्या कर सकता है तब वो क्या कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, द सब्सटेंसेज विच कॉन्टेमिनेट द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। द सोर्स ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट आर द फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ द फायरवुड एंड डंप केग्स। यानी कि एयर पॉल्यूशन का कॉज कौन कर देता है, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड बर्निंग फायरवुड एंड डंप केग्स। स्मोक इज ऑल्सो अ एयर पॉल्यूशन विच मेड ऑफ द स्मोक प्लस फॉग। यानी कि जो स्मोक होता है वो एक तरह से एयर पॉल्यूशन का ही काम करता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, स्मोक होता है प्लस फॉग होता है। यानी कि स्मोक प्लस फॉग को अगर मिला जाए तो क्या बनेगा, स्मोक बनेगा। स्मोक में कंटेन द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइंड विद द अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। द स्मोक कॉज द ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज द अस्थमा कॉजिंग कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रेन। जो स्मोक होता है वो क्या कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे अस्थमा हो गया, कफ हो गया और वीजिंग इन चिल्ड्रेन हो गया।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी विच आर यूज टू रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर एंड एरोसॉल स्प्रे. सीएफसी डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफियर. इट इज ऑल्सो बिहेव एज द एयर पॉल्यूशन. सीएफसी यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो भी एक तरह से एयर पॉल्यूशन की तरह काम करता है, क्योंकि सीएफसी का यूज किस में किया जाता है, वो तो रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, और जब रेफ्रिजरेटर से सीएफसी निकलता है तो डायरेक्ट एयर में जाता है, और एयर में जाते ही क्या कर सकता है, वो ओजोन लेयर को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो यह एक तरह से किस में आता है, एयर पॉल्यूशन में आता है. नेक्स्ट अगर बात करें इफेक्ट ऑन हेल्थ. एयर पॉल्यूशन कॉज द सीरियस हेल्थ डिजीज फॉर लॉन्ग टर्म. हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज द इम्फाइसेमा. यानी कि हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज भी कॉज कर सकता है कौन, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज द लॉन्ग टर्म डैमेज टू द पीपल, नर्व, ब्रेन, किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन. समटाइम इट कॉज द बर्थ डिफेक्ट. यानी कि नर्व्स, ब्रेन, किडनी, लीवर और बर्थ इफेक्ट भी कर सकता है एयर पॉल्यूशन. एसिडिक रैन बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिडिक रैन इज डैमेज द मोन्यूमेंट लाइक ताजमहल. पोल्यूटेंट लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. द एसिड ड्रॉप डाउन विद द रैन मेकिंग द रैन एसिडिक. दिस इज कॉल्ड द एसिडिक रैन. एसिडिक रैन होती है वो क्या करती है, जो हमारे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं यानी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है. यानी कि जो प्रमुख स्थल्स हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ताजमहल में क्या लगा है, संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, तो वो उन पे क्या करती है, डिफेक्ट डालती है, उसको क्या करती है, खराब करती है. जैसे इसमें क्या क्या होता है, जैसे हमारे एनवायरमेंट क्या, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. जब भी एसिडिक रैन होगी, यानी कि जब ऊपर से वाटर आता है तो वो क्या कर सकता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लेती है, और वो एसिडिक रैन का कारण बढ़ जाती है और वो हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट देती है. डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सीएफसी आर मेजर कॉज द ओजोन लेयर डिप्लीशन. ग्रीन हाउस इफेक्ट. एयर पॉल्यूशन इज द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. कौन कॉज द ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कॉज करता है कौन, एयर पॉल्यूशन. ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको डिटेल पढ़ना है एनवायरमेंट के अंतर्गत, उसमें आपको डिटेल कंप्लीटली डिटेल पढ़ाया जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में. ग्रीन हाउस गैस मेनली कौन कौन होता है, CO2 60%, CH4 20% और CFC 14% और N2O 6% होता है. ये हो गया ग्रीन हाउस गैसेस के कंटेंट. नेक्स्ट अगर कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन. स्मोक स्टॉक ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर एंड अदर इंडस्ट्री रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसेस एयर पॉल्यूटेंट टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस एज नाइट्रोजन ऑक्सीजन ETC. यानी कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. दिस पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड फिल्टर्ड आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इन द एटमॉस्फियर. ठीक है, दीज आर द सेवरल वे टू रिमूविंग द पार्टिकुलेट मैटर. द मोस्ट वाइडली यूज स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है जो कि एयर पॉल्यूशन को दूर करने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके बारे में डायग्रामेटिक आप लोगों को इन्वायरमेंट में कंप्लीट मिलेगा. अगर यहाँ पे हम बताने लगें तो हम बहुत ज़्यादा ही लेक्चर लेंदी हो जाएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा लेंदी लगने लगेगा, इसलिए आप लोगों को इसका डिस्कशन कंप्लीट मिलेगा आप लोगों को इन्वायरमेंट के चैप्टर में. नेक्स्ट अगर बात करें फायर प्रिवेंशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन. मेनी कंट्री आर यूज CNG एंड LPG फॉर द व्हीकल आर ऑटोमोबाइल. बहुत सारी कंपनियाँ क्या यूज़ कर रही हैं, CNG और LPG का यूज कर रही हैं. कहाँ पे, एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए. नेक्स्ट अगर बात करें नॉइज पॉल्यूशन. Noise pollution is the undesired high level of the sound we have got used to the associating loud sound with the pleasure and entertainment not nearing the noise cause physiological and the psychological disorder in the human. Noise pollution का मतलब कभी कभी क्या होता है, noise जो होती है हमारी क्षमता से अधिक, यानी कि कानों में अगर पड़ जाती है तो वो क्या कर सकता है, noise pollution cause कर सकता है, जिससे हमारा psychological disturbance हो सकता है. ठीक है, और बहुत सारे psychological disorder हमारे अंदर आ सकते हैं. द ब्रीफ एक्सपोजर टू द एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 dB डेसिबल आर मोर जनरेटेड बाई द टेक ऑफ ऑफ द ए जेट प्लेन आर रॉकेट में डैमेज एयर ड्रम दस परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी. जब 150 decibel से जब ज्यादा हाई साउंड यानी हाई साउंड की फ्रिक्वेंसी आपके कानों के अंदर जाएगी तो आपके कानों को क्या करेगी, डैमेज करेगी और क्या परमानेंटली उसको क्या करेगी, हियरिंग लॉस को कर सकती है. नेक्स्ट अगर बात करें सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन.
नॉइज पॉल्यूशन रेफर्स टू द साउंड डेट इनोइंग द नॉइज नॉइजीनेस आर अनडिजायर्ड टू ईयर विच कैन इम्पेक्ट द एक्टिविटी या बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जब हमारे कानों के अंदर का क्षमता से ज्यादा नॉइज जाएगी तो हमारे बिहेवियर को क्या करेगी, चेंज कर देती है मूड। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी आप कंसंट्रेट करके पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी तेज से अगर नॉइज आती है तो आप क्या अचानक उसमें क्या होते हैं, या तो कभी डर जाएंगे या उसमें आपकी एक्टिविटी जो होगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब कोई नॉइज आएगी तो एक्टिविटी चेंज होगी तो क्या हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। द इंडस्ट्रियल सोर्स इंक्लूड द नॉइज फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज एंड द बिग मशीन वर्किंग एट वेरी हाई स्पीड एंड हाई नॉइज इंटेंसिटी। यानी इंडस्ट्री में हाई स्पीड से जो कंपनियां काम करती हैं, हाई स्पीड हाई नॉइज इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो भी नॉइज पॉल्यूशन कॉज करती हैं। नॉइज पॉल्यूशन कैन कम्स फ्रॉम आउटडोर सोर्सेज सच एज रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन्स, गार्बेज ट्रक, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। नॉइज पॉल्यूशन जैसे रोड ट्रैफिक लगता है तो भी नॉइज पॉल्यूशन होता है, जेट प्लेन्स जाती है तब भी नॉइज पॉल्यूशन होता है, गार्बेज ट्रक आता है तब भी नॉइज पॉल्यूशन आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉइज पॉल्यूशन के क्या है, सोर्सेज है। सम ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन रेजिडेंशियल एरिया इंक्लूड लाउड म्यूजिक ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि लाउड म्यूजिक करके आपको सुनना क्या कहलाता है, वो नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन, लॉन केयर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वाइन टर्बाइंस, एक्सप्लोजन। यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स वगैरह होते हैं ये क्या बहुत सारा आवाज करते हैं और नॉइज पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इफेक्ट ऑन हेल्थ अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ द लाउड साउंड इट कॉज द नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो कॉज कर सकता है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। इट ऑल्सो इंड्यूस द स्लीपिंग डिसऑर्डर ड्यू टू द लिसनिंग ऑफ द साउंड लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए साउंड सुनते हैं तो आपका जो स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आपको हो सकता है। एक्सपोजर टू द लाउड नॉइज कैन ऑल्सो कॉज द हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रेसेस। अगर हाई अमाउंट में आप हाई लाउड नॉइज सुनते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रेस भी आपको आ सकता है। ट्रबल कम्युनिकेटिंग इन मेजर प्रॉब्लम द हाई लाउड नॉइज। जब हाई लाउड नॉइज होती है तो किसी भी कम्युनिकेट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। ये भी इफेक्ट होता है हेल्थ पे। हियरिंग सिस्टम इज ऑल्सो कंट्रोल और बैलेंसिंग सिस्टम, सो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड कैन कॉज द डिस्टर्बेंसेज। जो भी हमारा हियरिंग सिस्टम है वो हमारी एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह ही काम करता है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट हमारे कानों के अंतर्गत हाई फ्रिक्वेंसी की लाउड नॉइज आएगी तो वो क्या करेगी, हमारे हमारे ब्रेन को डिस्टर्बेंस कॉज करेगी। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉज मेनी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिससे बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंट्रोल ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ द नॉइज ऑन आवर इंडस्ट्री कैन बी अफेक्टेड बाई यूज ऑफ द साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल आर बाई मफलिंग नॉइज। यानी कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल, बहुत सारे एब्जॉर्बेंट मटेरियल आते हैं जो कि नॉइज को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। या तो आप उसका यूज कीजिए या तो साउंड को क्या कर दीजिए, लो कर दीजिए, जिससे आप नॉइज पॉल्यूशन से बच सकते हैं। अ मैन इंसर्टिंग एन ईयर प्लग इन हिज ईयर टू रिड्यूस द नॉइज एक्सपोजर। यानी कि आप ईयर प्लग का भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द नॉइज पॉल्यूशन। आप कभी कभी स्टडी करते समय भी ईयर प्लग का यूज कर सकते हैं, जिससे भी आपको भी कोई भी नॉइज पॉल्यूशन यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ द क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, इट्स नीड टू द इन्फोर्स टू द प्रोटेक्ट आउटसाइड द नॉइज पॉल्यूशन। यानी कि नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी लाउड स्पीकर बजाना हो या क्रैकर्स है या टाइमिंग, तो उसके लिए एक टाइमिंग, पर्टिकुलर टाइमिंग दी जाएगी आपको। उस टाइम के अंतर्गत आप लोगों को लाउड नॉइज बजाना है या म्यूजिक सुनना है, इसके अलावा आप लोगों को नहीं सुनना है। ये पॉलिसी बहुत सारी जगहों पे चालू हो गई है। नोट, इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट केम इन फोर्स 1981 बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड नॉइज एज एयर पॉल्यूटेंट। यानी कि इंडिया में अगर बात करें तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो है 1981 में आया था, बट उसका अमेंडमेंट था 1987 में आया था और इंक्लूड नॉइज एयर पॉल्यूटेंट और नॉइज पॉल्यूशन का रोकने के लिए ये क्या चलाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है। सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट रेफर टू द एवरीथिंग ट्रीट गोइज टू द ट्रेसेज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज वेस्टेज। यानी कि इसका मेन मतलब ये होता है कि सॉलिड वेस्टेज को हम कैसे, वेस्ट को हम बाहर निकालें। जैसे कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्टेज आर वेस्टेज फ्रॉम द होम, ऑफिस, स्टोर्स, स्कूल, हॉस्पिटल, इटीसी आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्यूनिसिपलिटी। द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइजिंग द पेपर, फूड वेस्टेज, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, इटीसी। यानी कि ये सारी चीज़ों को हम फेंकना, यानी कि ये सब चीज़ें सॉलिड है
इसको ही फेंकना, उसी का बोलेंगे हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल बोलेंगे। सेनेटरी लैंडफिल्स वेयर एडॉप्टेड बाई सब्स्टिट्यूट फॉर द ओपनिंग बर्न डंप, यानी कि क्या कर दिया जाता है सेनेटरी लैंडफिल्स में, क्या किया जाता है कोई भी मान लीजिए मटेरियल उसको क्या किया जाता है बर्न कर दिया जाता है, बर्न करके उसको क्या किया जाता है सॉइल से उसको ढक दिया जाता है, ठीक है। इट इज द सेनेटरी फील्ड वेस्ट आर डंप्ड इन द डिप्रेशन आर ट्रेसेड आफ्टर द कंप्रेशन एंड द कवर्ड विद द ड्राई डर्टी डर्ट एवरी डे। अ सोल्यूशन ऑफ दिस कैन ओनली बी द ह्यूमन बींग बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू दिस इन्वायरमेंट इशूज। आल वेस्टेड बींग जनरेट कैन द कैटेगराइज इन टू द थ्री टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो भी सॉलिड वेस्टेज आते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो कि बैक्टीरिया वायरस और फंजाई के द्वारा क्या हो जाए डिग्रेडेड हो जाए। एक आता है रिसाइक्लेबल, यानी कि उसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी उसको दोबारा यूज किया जा सकता है। मान लीजिए कोई वेस्ट था उसको फिर से रिसाइकिल करके फिर उसका यूज किया जाए उसको क्या बोलते हैं रिसाइक्लेबल बोलते हैं। नेक्स्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि उसको फिर से नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि उसको वायरस फंजाई के द्वारा उसको डिग्रेडेड नहीं किया जा सकता है उसे क्या बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इरिप्रेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। ई वेस्टेज, ई वेस्टेज आर बरेड इन लैंड फील्ड्स आर इनसेनरेटेड, ठीक है। यानी कि जो भी ई वेस्टेज है यानी कि जो भी कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसको भी क्या कर सकते हैं हम लैंड फिल कर सकते हैं, लैंड के अंदर रख अंदर उसको क्या कर सकते हैं फिल कर देंगे, जिससे कि सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट अगर बात है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्टेज वाटर इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरा, दिस म्यूनसिपल वेस्टेज वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरा और अदर मटेरियल जो क्या होते हैं यही सीवेज का कारण बनते हैं। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। तो इसके अंतर्गत क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, मेनी ऑफ व्हिच आर द पैथोजेनिक, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं पैथोजेनिक होते हैं। बिफोर डिस्पोजल हेंस वेस्ट इज द ट्रीटेड इन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपीस टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटरोटॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द स्वेज, दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन द टू स्टेजेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट, अब इसमें स्वेज ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट में कैसे होता है। दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फॉर्म ऑफ द स्वेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। द इनिशियल फ्लोटिंग डेब्रिज रिमूव फ्रॉम द सिक्वेंशियल फिल्टर द ग्रिल सॉलिड। तो इसमें क्या होता है बेसिकली समझिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है जो भी हमारा वेस्टेज मटेरियल होता है उसमें क्या करते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि कचरा जो ऊपर से फिल्ट्रेट करना होता है उसको फिल्ट्रेट कर लिया जाता है और उसको सेडिमेंटेशन कर दिया जाता है, यानी कि जो भी हैवी पार्टिकल है नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और उसके बाद जो भी बचा उसको क्या कर सकते हैं हम निकाल लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं इफ्लुएंट्स बोलते हैं। यानी कि ऑल सॉलिड डेट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड सुपरटेंडेंट फॉर्म ऑफ कॉल्ड द इफ्लुएंट्स, यानी कि जो भी सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ गया उसे बोलेंगे हम प्राइमरी स्लज, और उसके अलावा जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे इफ्लुएंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब द प्राइमरी इफ्लुएंट्स इज द पासेज इन टू लार्ज एरेशन टैंक। अब जो भी हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट्स था यानी कि जो भी लिक्विड वाला पार्ट था उसको हम एक अदर टैंक में डाल देंगे और उसमें एयरेटेड होना एजिएटेड मैकेनिकल एयर पंप्ड इनटू, उसमें क्या करेंगे एयर को प्रोवाइड कराएंगे एयर उसमें रिलीज करेंगे। दे अलाउ टू डिक्रीज ग्रोथ उसमें, तो जब एयर उसमें प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स मास ऑफ द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट मेस लाइक स्ट्रक्चर। तब वहां पे क्या होगा बैक्टीरियल ग्रोथ होगा और उस ग्रोथ को क्या बोलेंगे हम फ्लॉक्स बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम फ्लॉक्स बोलेंगे। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट फॉर्म द मेस लाइक स्ट्रक्चर व्हाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द इफ्लुएंट्स। अब जो इफ्लुएंट्स में माइक्रोब्स ग्रो कर गया है तो वो क्या करेगा उसको वहां पे ऑर्गेनिक मैटर था उसको क्या करेगा उसको डिग्रेडेट कर देगा उसको नष्ट कर देगा। और दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पीओडी, और वो क्या कर देगा द सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी। अब धीरे धीरे बीओडी क्या हो जाएगा डिक्रीड होने लगेगा। पहले बीओडी क्या था ज्यादा था, यानी कि जब कार्य परफॉर्मेंस हो रहा था तो बीओडी ज्यादा था, अब बीओडी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ऑफ द इफ्लुएंट। अब देखिए बीओडी क्या होता है, बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डेट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ द वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाई द बैक्टीरिया। यानी कि 1 लीटर जो हमारा क्या है डर्टी वाटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसे हम क्या बोलेंगे बीओडी बोलेंगे।
द सीवेज ट्रीटमेंट वाटर इंट्रीटेड टिल द पीओडी इज रिड्यूसेस, यानी सीवेज ट्रीटमेंट तब तक किया जाता है जब तक कि बीओडी डिक्रीज ना हो जाए। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ द वेस्टेज वाटर मोर इन पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जब बीओडी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी यानी कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, यानी पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है इसका मतलब क्या हुआ कि बीओडी बढ़ गई है यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है यानी कि वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यही हुआ। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बीओडी यानी समझिएगा, बीओडी बढ़ने का मतलब है कि वहाँ पे जो वेस्टेज है वो ज़्यादा है और वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आफ्टर दिस प्रोसेस सेडिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज, अब इसके बाद जो भी बचा यानी जो भी बचा यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बाद जो भी चीज़ें आया उसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। और स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पंप्ड बैक टू द एरेशन टैंक टू सर्व एज द एन्यू कोलम्स, अब बाद में कोई भी हमें प्रोसेस कराना होगा, मान लीजिए फिर से हमें प्राइमरी इन्फ्लुएंस आया, अब उसमें हमें ग्रोथ कराना है बैक्टीरिया को, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जो हमारा जो पंप किया जो हमने एक्टिवेटेड स्लज निकाला है उसको उसमें अगर डाल देंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ इजीली बहुत ज़्यादा अमाउंट में होने लगेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप इन टू द लार्ज टैंक कॉल्ड द एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा स्लज का उसे क्या करेंगे, स्लज डिजास्टर में डाल देंगे, वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा जो भी एनारोबिक ऑक्सीजन, अब वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाएगा, अब वहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन के ये बैक्टीरिया फंजाई ग्रो करेंगी और उसको क्या करेंगी, उसको डिग्रेडेट करेंगी और वहीं से जो वहाँ से बॉडीज होगा यानी कि वहाँ से वो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और उस वाटर को वाटर में क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है, रिवर में या कहीं जहाँ पर रिलीज करना उसको रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होती है, ऑक्यूपेशनल इलनेस आर द सीरियस प्रॉब्लम फॉर द वर्किंग पर्सन ड्यू टू द वर्क प्लेस स्पेसिफिक हजार्ड, इट इज अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर्क एनवायरमेंट, इट अकर्स रिजल्ट इन द एक्सपोजर ऑफ द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन द वर्क प्लेस। ऑक्यूपेशनल इलनेस का मतलब होता है जहाँ पे पर्सन वर्क कर रहा है वहाँ पर कोई डिजीज उसको कॉज कर गई बाई द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलेंगे। नेक्स्ट, जनरली हार्मफुल केमिकल आर प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस एरिया कॉज द एडवर्स हेल्थ कंडीशन डैमेज द पीपल, लेड आर्सेनिक पेस्टिसाइड मर्क्यूरी और सिलिका, यानी कि जहाँ पे पर्सन काम कर रहा है वहाँ पे जो भी केमिकल रिलीज हुआ और उसको कर उसको अनहेल्दी बना दिया तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल इलनेस बोलेंगे। और उसमें शामिल होता है लेड, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड, मर्क्यूरी, सिलिका, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल इलनेस, तो पेंट इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनरल एक्सट्रैक्शन, हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सोर्स हो गई। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में अगर बात करें तो स्किन डिसऑर्डर हो जाएगी, जैसे एलर्जिक रिएक्शन, डर्मेटिटिस, स्किन रैसेस, इचिंग, स्किन कैंसर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगी, इसके अंतर्गत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइटनेस, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, अस्थमा हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेडेक, मेमोरी डिस्टर्बेंस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, एपिलेप्सी एंड स्ट्रोक आ जाएंगे। हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ल्यूकोमिया, ब्लड डिसऑर्डर, इसके अलावा मस्कुलेटर डिसऑर्डर में मस्कुलर स्पाज्म, टेंडाइनिटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइलेगिया, लिगामेंट स्प्रेन। हिपैटिक डिसऑर्डर में हिपैटिटिस ए, बी, सी और सिरोसिस हो जाता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बात करें, इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, हार्ट एरिथमिया, रिलेटेड कार्डियोपैथी, पल्मोनरी स्टेनोसिस। रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर में अगर बात करें तो यूरिनरी डिफेक्ट, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी फेलियर। रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर में बात करें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मिटीज, कैंसर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाएंगे। ये जितनी भी डिजीज का नाम हमने गिनाया इसमें या जितनी भी डिजीज का हमने बताया, तो आप लोगों को बेसिकली बस इसको ध्यान रखना है, अभी तक के लिए आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। इसकी जो डिटेल है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर में आप लोगों को डिटेल स्टडी करा दी जाएगी, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसकी पूरी स्टडी होगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, इसके बारे में कंप्लीट जाना जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रिकॉशन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल डिजीज, टू प्रिवेंट द ऑक्यूपेशनल डिजीज एफिशिएंसी, हेल्थ प्रोफेशनल्स मस्ट नोन हाउ टू एंटिसिपेट एंड रिकॉग्नाइज द कंडीशन इन दोज हु प्रेजेंट द सिम्टम एंड दोज प्री सिम्टोमेटिक। तो सबसे पहला प्रिकॉशन यही होगा,
कि जो भी वहां के मैनेजर है, यानी कि कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज किसी पर्सन को हुई है तो उसकी चीजों को प्रोफाइल तैयार करना, यानी कि ये इस डिजीज से ये पीड़ित है, या इनकी डिजीज इतने कंडीशन पे है, इनका सीवियर लेवल है या लो लेवल है, ये सारी चीजें डिसाइड करना ही एक तरह से प्रिकॉशन होता है। रेगुलर रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉन हैजार्डस सबस्टेंस ऑफ द हैजार्डस वन, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई केमिकल नुकसान कर रहा है तो उस नुकसान केमिकल को किसी न नुकसान करने वाले केमिकल से अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो वो भी एक तरह से प्रिकॉशन का काम करेगा। जॉब रिडिजाइन, वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्रैक्टिसेज, रेगुलर नेसेसरी कंडीशन एंड द अल्टरनेटिव। जॉब को क्या करिए, रिडिजाइन कीजिए, यानी कि इम्प्लॉय को बदलते रहिए। इम्प्लॉय अगर आप बदलते रहेंगे इससे भी ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं होगी। इंस्टॉलेशन ऑफ द इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड डिवाइसेज एंड प्रोवाइड द एजुकेशनल नॉलेज एंड एडवाइस। इंस्टॉलेशन ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि इंजीनियरिंग कंट्रोल दिखाइए उस पर और एजुकेशनल लेवल बढ़ाइए। लोगों का एजुकेशनल लेवल अगर आप बढ़ाएंगे तो ऑक्यूपेशनल डिजीज से बचाया जा सकता है। फॉर द वर्कर प्रोवाइड द हाई क्वालिटी ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट, और जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं उनके लिए हाई क्वालिटी या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दीजिए। जैसे मान लीजिए जैसे हेलमेट हो गया, कोट वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी होती थी ऑक्यूपेशनल डिजीज से बचने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा कौन कौन से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं ये चीज़ें हम समझेंगे। अब इसमें क्या है, आप अपने मन से भी इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, अब उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फार्मास्यूटिकल कंपनी रिलीज द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर कंपाउंड ईटीसी व्हिच अफेक्ट द एयर एंड कॉज द एयर पॉल्यूशन। यानी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती है वो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन वगैरह रिलीज करती है। अब उसके रिलीज करने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इम्फाइसेमा, ब्रीदिंग इन कम्फर्ट, सफोकेशन, ईटीसी, इस्केमिक हार्ट डिजीज, COPD, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी उसमें आ जाती हैं। और इट ऑल्सो काज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ये काज कर जाता है। वेन द फार्मास्यूटिकल वेस्टेज आर थ्रो इन द सॉयल, देन इज अ केमिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द सॉयल एंड कॉज द सॉयल। यानी कि जब भी हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो भी निकला हमारा कचरा मटेरियल निकल, अगर सॉयल के साथ अगर उसको मिक्स कर देंगे तो सॉयल पॉल्यूशन काम कर कॉज कर जाएगा। अगर वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वाटर पॉल्यूशन काज कर जाएगा, जिसके थ्रू डायरिया, कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफाइड हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें नॉइज प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब नॉइज प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज द फार्मास्यूटिकल कंपनी लाइक एक्सरे, गामा रेज, हैवी मेटल आयन, ईटीसी विच डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ एंड कॉज द क्रोनिक डिसऑर्डर। तो जो भी हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्सरे, गामा रे, हैवी मेटल आयन्स होते हैं, वो क्या कॉज करते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम साइकोलॉजिकल फार्मेसी, द टर्म साइकोलॉजिकल रेफर टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द मेंटल हेल्थ, सोशल इन्फ्लुएंसेस, द पीयर प्रेशर, पेरेंट सपोर्ट, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड द इंपर्सनल रिलेशनशिप आल हेल्प द पर्सनैलिटी एंड द इन्फ्लुएंस द सोशियोलॉजिकल मेकअप। सोशियोलॉजिकल मेकअप के दौरान हम बेसिकली आप स्टडी क्या करते हैं, सोशियल, यानी कि सोशियल हेल्थ समझ लीजिए, एक तरह से सोशियल हेल्थ के बारे में ही हम स्टडी करते हैं। इस दौरान हम क्या स्टडी करेंगे, मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में, यानी कि कोई भी आपका जैसे कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज का मतलब क्या है, कम्युनिटीज में आपका बिहेवियर कैसा है, आप उनके साथ कैसे कम्युनिटी के साथ उठते बैठते हैं, आपकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आप सोशियोलॉजिकल साइकोसोशिकल फार्मेसी के अंतर्गत जानते हैं। ड्रग एंड देयर मिसयूज में हम बात करेंगे, मेनी हार्मफुल ड्रग विच कॉज द एडिक्टिव इफेक्ट ऑन द बॉडीज एंड डिस्ट्रॉय द बॉडी पार्ट, मेनी ड्रग आर देयर मिसयूज गिवेन। देखते हैं साइकोट्रॉपिक प्रोडक्ट, साइकोट्रॉपिक ड्रग आर दोस विच अफेक्ट द मूड थ्रू द बिहेवियर, इट इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू द मेंटल एक्टिविटी। साइकोट्रॉपिक आर जनरली यूज टू मेंटेन ब्रेन केमिकल्स आर न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन, गाबा, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, नॉर एपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये सारे केमिकल्स हैं जो साइकोट्रॉपिक ड्रग होती है वो इन सारे केमिकल्स को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिससे हमारी मेंटल एक्टिविटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, हमारा बिहेवियर क्या होता है, चेंज हो जाता है। देयर आर 5 मेजर क्लासेज ऑफ साइकोमेटिक मेडिसिन, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी एजेंट, मूड स्टेबलाइजर और स्टिमुलेंट। यानी जो भी साइकोट्रॉपिक ड्रग होती है वो इन तरह से पांचों तरीके से काम कर सकती है। मिसयूज ऑफ द ड्रग,
मेनी पीपल आर यूज टू द साइकोट्रोपिक ड्रग रिलीज द स्ट्रेस एंड एनजाइटी बट लॉन्ग टर्म कॉज द एडिक्टिव इफेक्ट ब्रेन एंड कॉज द डिपेंडेंसी सम पीपल आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज वर्किंग एफिशियंसी. ये जो साइकोट्रॉपिक ड्रग है बहुत सारे पर्सन इसका यूज करते हैं स्ट्रेस को एनजाइटी को दूर करने के, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप यूज करते हैं तो आपके ब्रेन को भी ये नुकसान दे सकता है और डिपेंडेंसी कॉज कर जाएगा और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को भी क्या कर सकता है ये प्रभावित कर सकता है. नार्कोटिक प्रोडक्ट्स आर द दो सब्सटेंसेस व्हिच डायरेक्टली बाइंड्स टू द ब्रेन ऑपियोइड रिसेप्टर एंड रिलीव द मॉडरेट टू सीवियर पेन. द ड्रग व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन ऑपियोइड कैनबिनॉइड्स एंड द कोका अल्कलॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई. ठीक है, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि नार्कोटिक प्रोडक्ट्स वह होते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंतर्गत जो भी हमारा ऑपियोइड रिसेप्टर है उससे बाइंड कर जाते हैं. अब ऑपियोइड रिसेप्टर से बाइंड होकर वो क्या कॉज कराते हैं, पेन रिलीविंग की तरह काम कराते हैं, हो सकता है कि वो साइकिक की तरह काम कराएं, ये सारी एक्टिविटी कराता है नार्कोटिक प्रोडक्ट्स. अब उसका मिसयूज कैसे होता है, दिस टाइप ऑफ द ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ द ड्रग विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन इट इज नॉट बिकॉज इट इज कॉज द डिपेंडेंसी. बहुत सारे लोगों में क्या कर जाती है, डिपेंडेंसी कॉज कर जाती है. मेनी पीपल आर यूज टू द सबस्टेंस दैट स्टिमुलेट इज वन ऑफ द मेजर मिसयूज ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत सारे लोग इसका क्या यूज करते हैं, एज अ स्टिमुलेंट यूज करते हैं और यही इसका सबसे बड़ा मिसयूज होता है कि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं स्टिमुलेंट के रूप में. नेक्स्ट टोबैको की अगर बात करें, टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड निकोटीन एंड अल्कलॉइड्स. निकोटीन स्टिमुलेंट एड्रेनल, ठीक है, निकोटीन होता है, निकोटीन टोबैको में मेनली निकोटीन कंटेन करता है. निकोटीन स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रेनल एंड द नॉन एड्रेनालिन इन टू द ब्लड सर्कुलेशन बोथ ऑफ विच द रेज द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट. जब आप टोबैको खाते हैं या टोबैको आप यूज करते हैं तो उस समय एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन रिलीज होता है हमारे ब्लड में. अब वो रिलीज होता है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है जिससे ब्लड हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट क्या होती है बढ़ जाती है. टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी. अगर आप टोबैको च्यूइंग करते हैं तो ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है. स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड. स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो क्या कर सकता है, आपके ब्लड में प्रेजेंट हो सकता है और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है. स्मोक टबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूड द सिगरेट सिगार बीडीज, यानी कि स्मोक सबस्टेंस में सिगरेट है, सिगार है, बीडीज है. सम पीपुल आल्सो स्मोक लूज टबैको इन द पेपर ऑफ द हुकास वाइप पाइप. च्यूड टबैको प्रोडक्ट इंक्लूड द च्यूइंग टबैको स्नफ डीप ईटीसी. यानी कि बहुत सारे स्मोकर्स जो होते हैं यानी कि पाइप और हुक्का के द्वारा उसको क्या करते हैं, मेरी टोबैको को लेते हैं, वो भी क्या करता है हमारी बॉडी को नुकसान करता है. मिसयूज क्या होता है, टोबैको एडिक्शन इज कॉज द डिपेंडेंसी एंड द निकोटीन हैबिट द फॉर्म द स्मोकिंग एंड द यूजिंग द च्यूड टोबैको. यानी कि जो भी निकोटीन इसमें प्रोडक्ट होता है यानी केमिकल्स होते हैं वो डिपेंडेंसी कॉज करता है और बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए. सम पीपल आर यूजिंग द स्टिमुलेंट बट हाई अमाउंट कॉज द सीवियर प्रॉब्लम. बहुत सारे यूज इसका भी यूज करते हैं स्टिमुलेंट के लिए. जैसे मान लीजिए आप खैनी देखेंगे, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं तो खैनी का काम होता है स्टिमुलेंट का, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा खाते हैं तो वो आपका ओरल कैंसर की तरह काम कर जाएगा. बहुत सारे लोग बीड़ी का यूज करते हैं या सिगरेट का यूज करते हैं, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक तरह से स्टिमुलेंट का काम करेगा, लेकिन एक एक पर्टिकुलर पीरियड तक, उसके बाद वो क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है. नेक्स्ट अगर बात करें अल्कोहल, अल्कोहल जनरली यूज्ड पर्सन इज नोन एज इथाइल अल्कोहल. इट इज आल्सो मेडिकेशन लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिलीज इन द स्टेट डिप्रेशन. यानी कि जो एक्चुअल अल्कोहल होता है उसे क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, और मेडिसिन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है लाइक डिप्रेशन में, स्ट्रेस में भी. मिसयूज ऑफ द ड्रग इट इज वन ऑफ द आल्सो काज द एडिक्टिव इफेक्ट. ये भी एडिक्टिव इफेक्ट कॉज करता है. और हाई डोज ऑफ अल्कोहल काज डेंजरस इफेक्ट ऑन कॉज द सीवियर इफेक्ट. अगर हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है. ड्यू टू द हाई डोज पर्सन लॉस देयर मेंटल अलर्टनेस एंड बिहेवियर एज वाइल्ड टाइप बैड हैबिट. अगर मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है तो वो मेंटल एक्टिविटी यानी मेंटल अलर्टनेस को क्या करता है, खो बैठता है, उसका बिहेवियर जो होता है वाइल्ड टाइप्स हो जाता है. तो ये सारी चीजें मिसयूज होती है किसका, अल्कोहल्स का. नेक्स्ट अगर बात करें सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन सोशल हेल्थ. ड्यू टू द एडिक्टिव इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग और सोशल एक्टिविटी इफेक्ट द सोशल हेल्थ एंड ब्रेन प्रमोट द बैड हैबिट. यानी कि जो भी सोशल इम्पैक्ट है यानी कि जो भी ये एडिक्टिव इफेक्ट है, आपने जो भी ड्रग यूज किया तो उसे क्या निकला,
वो एडिक्टिव इफेक्ट शो करेगी, और ये एडिक्टिव इफेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, आपकी सोशल हेल्थ को प्रमोट कर सकती है, सॉरी कि आपकी रिड्यूस कर सकती है। इट आल्सो प्रमोट द पॉवर्टी एंड हंगर कंडीशन इन द फैमिली, यानी कि फैमिली में ये हंगर, यानी कि जो सोशल इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, गरीबी और भुखमरी का कारण भी ये जो पीछे एडिक्टिव थी वो ला सकती है। नाउ डेज द ड्रग आर विगरेसली ग्रो इन द पॉपुलेशन एंड इफेक्ट आवर द नेशन डेवलपमेंट नाउ डे। अभी अगर फिलहाल में देखा जाए तो ये जो भी है टोबैको, नारकोटिक ड्रग्स, साइकोटिक ड्रग्स और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है, नाउ डे बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इसका यूज बढ़ गया है, जिससे हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी बहुत नीचे चला गया है। आगे अगर बात करें सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडल इज नॉट मेंटल इलनेस बट द सीरियस पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर। जो सुसाइडल बिहेवियर होता है वो एक तरह से क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। मेंटल इलनेस बहुत कम बार होता है कोई सुसाइडल बिहेवियर हो। सुसाइडल बिहेवियर जनरली किसके द्वारा होता है, तो ये होता है कॉन्सिक्वेंसेस यानी साइजोफ्रेनिया समस्या, एंग्जायटी के कारण होता है सुसाइडल बिहेवियर, ठीक है। इसके बारे में आप अपने मन से बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट ऑन द सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, सुसाइडल बिहेवियर इज द वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द एनी वन नॉट अ सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, इट लीव्स द नेगेटिव इंप्रेशन इन द सोशल कम्युनिटी। अगर बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट, तो अगर आप सुसाइडल बिहेवियर अगर अटेंड कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, सोशल कम्युनिटी में आपका ये क्या नेगेटिव फीडबैक होगा। एल्कोहल एब्यूज एमंग एडोलेसेंट एंड द अनस्टेबल आर अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। एल्कोहल का यूज करने से एक तो एडिक्टिव हो जाएंगे, उसके अलावा जो होगी फैमिली स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, बिगड़ जाएगा और बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एल्कोहल का यूज कर ड्यू टू द बैड हैबिट सोशल क्वालिटी एंड डिक्रीज, आपकी जो सोशल क्वालिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। मेजर वीट टू कॉज द पॉवर्टी एंड हंगर, और भुखमरी और गरीबी का कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दीज हैबिट्स, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। टीचर एंड एजुकेशनल प्ले मेजर रोल इन द कंट्रोल दियर एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को रोकने के लिए टीचर और एजुकेशनल सिस्टम अगर हमारा अच्छा हो जाए तो इस सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। पेरेंटिंग द कंबाइन विद द हाई लेवल ऑफ द न्यूट्रिशंस एंड कंसिस्टेंट डिसिप्लिन हैज एसोसिएटेड विद द लोअर रिस्क ऑफ द सब्सटेंसेस एल्कोहल ड्रग टोबैको यूज, सम ऑफ द मेजर मेंशनड हियर वी आर द पर्टिकुलर यूजफुल द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज एमंग द एडोलेसेंस, ठीक है। तो जो पेरेंट हैं, अगर पेरेंट अगर अच्छी प्रकार से बच्चों की देखभाल करें, अच्छी प्रकार से बच्चों को संभालें, अगर उसके प्रति उसको शिक्षा दें, तो बच्चा क्या हो सकता है, सुधर सकता है, यानी कि इन सारी चीज़ों से वो बच सकता है। और उसके लिए कुछ एग्जाम्पल, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, यानी कि अवॉइड करें, जो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसको क्या करें, अवॉइड करें। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, लोगों के बारे में लोगों क्या होंगे, जागरूक होंगे, अब इन सारी चीज़ों का यूज करना थोड़ा कम कर दें के। सीकिंग हेल्प फॉर द पेरेंट एंड पीयर, ठीक है, पेरेंट्स क्या करें, इसका हेल्प करें, यानी इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए या इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए पेरेंट्स, लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, और लुकिंग यानी पेरेंट्स के लिए लुकिंग यानी इसके डेंजर साइंस देखें। अगर मान लीजिए आप उसके बारे में सोचिए, अगर आप एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचिए कि क्या हो सकता है, अगर आप इसके बारे में अगर सोच सकते हैं तो अल्कोहल का आप यूज़ नहीं करेंगे। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और आप मेडिकली हेल्प भी ले सकते हैं इस चीज़ों को बचाव के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट सिलेबस, हमने आज का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बहुत ही ज़्यादा लेक्चर लंबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पूरा देखने की कोशिश किए, बहुत अच्छा है। आप अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप इसको कंप्लीट लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नोट्स के लिए, इसका जो नोट्स है ना वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसका नोट्स जो है हमारी हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट लिंक से ही नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट notescard.com पे आप जाकर डायरेक्ट उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आवर सपोर्ट।